क्या हुआ बेटा? पता नहीं पापा, अचानक ही रुक गई। लगता है मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। यहीं कहीं होगा गैराज, मैं देख लेता हूँ। मैं जरा दिखा के आता हूँ। अच्छा ठीक, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। पापा आप कहाँ चल के जाओगे? मैं ठीक करवा के तुरंत वापस ले आऊंगा। अरे लेकिन ठीक है, जाओ। आप सभी का इस अवार्ड शो में स्वागत है। तो आइए दोस्तों पहली फोटो देखते हैं, जो कि एक टाइगर की है। ये रही आपके सामने। अब अगली फोटो एक मछुआरे की है, जो कि अपनी नाव को खींचकर किनारे ले जा रहा है। ये फोटो हमें लहरों को चीरकर आगे बढ़ने की सीख देती है। तो आइए अब दूसरी फोटो की तरफ बढ़ते हैं। ये फोटो आजकल के इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दिखाता है, गंजापन। जस्ट किडिंग। इस फोटो में आपको एकता की शक्ति देखने को मिलेगी। इसमें सभी जाति और धर्म के लोग बिना भेदभाव किए एक साथ खड़े हैं। हेलो पापा, आप कहाँ चले गए? ऑडिटोरियम में हूँ बेटा। कहाँ हो? बेटा जहाँ बाइक खराब हुई थी उसके सामने एक ऑडिटोरियम है, वहाँ फोटोग्राफी का एक फेस्टिवल चल रहा है, बस वही देखने आया हूँ। तुम भी आना चाहो तो आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ। अगली फोटो से हमें डिसिप्लिन की सीख मिलती है। और जानते हैं, ये फोटो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फोटोज में से एक है। एक मिनट रुकिए सर, आपका पास? वो दरअसल मेरे पास पास नहीं है, मैं बस देखने चला आया। नहीं 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 नहीं, सीट खाली कीजिए। कुछ ही देर के लिए, उसके बाद मेरा बेटा आएगा तो मैं चला जाऊंगा। उठिए उठिए, यहाँ बैठने की आपकी औकात नहीं है, यहाँ सीनियर बैठेंगे। तब तक वो चुपचाप आदर के साथ बैठे रहेंगे। ये फोटो एक गांव के किसान की है, जो दिन भर खेतों में हल चलाता है और अपने खून पसीने से खेतों को सींचता है। उसके बाद जब खेतों में हरियाली आती है तो वो सुनहरा पल उसके लिए त्योहार की तरह होता है। फोटोग्राफर ने इस पल को बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर किया है। आजा, देखो कितने अच्छे। अब अगली फोटो। ये फोटो उस फाइटर को दर्शाता है जो हम सब के अंदर है, जो जिंदा रहने के लिए हर खतरे से लड़ने को तैयार है। फोटोग्राफर ने कमाल कर दिया है। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के शाम के चीफ गेस्ट केवी रघुनाथ सर। सो प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। हाय, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू। द स्टेज इज योर्स। तो हम कैमरे से क्लिक करते हैं और एक फोटो बन जाती है, लेकिन क्या पता कि कब एक सिंपल सी दिखने वाली फोटो महान फोटो बन जाए। यकीन मानिए, एक अच्छी फोटो आपसे बातें करती है, वो सब कुछ आपके सामने खुद बयां करती है। वो हमारी परंपराओं को पेश करती है, उसकी याद दिलाती है, संस्कृति की महानता और नेचर की खूबसूरती सिर्फ एक फोटो के जरिए हमारे दिल में उतर जाती है। एक फोटो में आपके बीते पलों को जिंदा करने की ताकत होती है, उसमें कहानी छिपी होती है, उसके जरिए आप अपनी जिंदगी की खुशबू का एहसास कर सकते हैं। ऐसी कमाल की चीज होती है फोटो, तो हमने ऐसी ही एक फोटो को चुना है। तो चलिए देखते हैं फोटो ऑफ द ईयर 2018। ये तो मेरी खींची हुई फोटो है। ये यहाँ किसने भेजी? तुमने? तो ये जो फोटो है, दिखने में तो एक आम फोटो है, पर इसमें एक कहानी है, इसमें जिंदगी है। बाप बेटे की जिम्मेदारी को पेश करती है ये फोटो। जब बेटा छोटा होता है तब गिरता संभलता है, चल नहीं पाता, उसका पिता उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। फिर जब बाप बूढ़ा होता है तब उसका वही लायक बेटा उसका सहारा बनता है। जिस महान फोटोग्राफर ने ये फोटो ली थी, अब उसे बुलाते हैं। द बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2018, मिस्टर के श्रीधर राव। आज मैं पूरी दुनिया को इस बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल हम दोनों ही हमेशा एक दूसरे के कंपेटिटर्स होते थे। वो हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहा करता था। वो नंबर वन तो मैं नंबर टू,
लेकिन आगे रहकर भी उसे कभी घमंड नहीं हुआ। हर बार ऐसा ही होता, कभी पहला इनाम मेरे नाम होता तो कभी इनके नाम होता। मुझे पता नहीं किस वजह से कुछ दिनों बाद इन्होंने फोटोग्राफी छोड़ दी, लेकिन मैं मानता हूं कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं या जो कुछ भी हूं सिर्फ इन्हीं की वजह से हूं। वो महान श्रीधर राव एक आम आदमी की तरह गलियों में कहीं गुम हो गया, पर आखिरकार वो हमारे बीच लौट आए हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि जीतने के लिए दिल जरूरी होता है, उम्र नहीं। यू आर द विनर, कम ऑन, अवार्ड इज वेटिंग फॉर यू। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। सॉरी सर, मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ। थैंक यू। आई आई प्लीज। आई एम सो हैप्पी। Congratulations. Thank you. Thank you. लीजिए। A few words. मैंने स्टेज पर कभी कहना पड़ेगा। ये लीजिए। नमस्ते। फर्स्ट टाइम लाइफ में स्टेज पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। जब मैं छोटा था तो मां गुजर गई, उनकी यादों के लिए उनकी फोटो भी नहीं थी मेरे पास, एक भी फोटो नहीं। तब पहली बार मेरे अंदर फोटोग्राफी का शौक जागा। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसे अपना करियर बनाऊं, किसी महान फोटोग्राफर की तरह फोटोग्राफी की दुनिया का चमकता तारा बनूं, दुनिया की हर खूबसूरती कैमरे में कैद करूं, जो मेरी आंखों ने देखा है उसे आपके दिलों तक पहुंचा सकूं। लेकिन जिंदगी ने यह सब छीन लिया और मुझे फैक्ट्री का मामूली मैकेनिक बना दिया। मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए। इस सब के बावजूद अगर आज मेरी जिंदगी का सपना पूरा हो रहा है, मुझे यह अवार्ड मिल रहा है, तो सिर्फ मेरे बेटे की बदौलत। अरे श्रीधर सुनना। क्या यार? हमें स्टील कंपनी में जॉब मिल गई है। ये रहा अपॉइंटमेंट लेटर, इस हफ्ते जॉइन करना है। मुबारक हो भाई। भगवान का शुक्र है, अब सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अच्छी तनख्वाह, कंपनी से घर मिलेगा, हर साल बोनस मिलेगा, इंक्रीमेंट, जिंदगी में और क्या चाहिए। सुन सुन सुन, मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा यार, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्या बात कर रहा है यार? एक मिनट रुक, ये देख, नेशनल ज्योग्राफिक। मैंने ना कुछ फोटो भेजे थे जो उन्हें बहुत पसंद आए, उन्होंने लेटर भेजा है, मुझे उनके साथ जाकर काम करना है, 4 दिन में दिल्ली पहुंचना है। सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी इतनी जल्दी बड़ी सैलरी तो नहीं देंगे वो, पहले साल फ्रीलांसर के तौर पर काम करना पड़ेगा, फिर परमानेंट कर देंगे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ अच्छी खासी कंपनी में जॉब मिली है, उसे छोड़कर तुम वहाँ गधा मजदूरी करोगे? ए भास्कर, जो काम पसंद हो उसे करने के लिए अगर हमें पैसे ना भी मिले तो ज्यादा गम नहीं होता यार। तेरी बात तो सही। हाँ। है, पर जरा अपने घर की कंडीशन भी तो देख, अगर तू वहाँ बिना सैलरी के काम करेगा तो यहाँ भाभी, तेरा बेटा। उन्हें जाने दीजिए भाई साहब, फोटोग्राफी में इनकी जान बसती है, ये खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। आप तैयारी कीजिए, 1 साल तो बहुत जल्दी बीत जाएगा, गाँव में जो 2 एकड़ जमीन है उसी के सहारे दिन कट जाएंगे, और फिर परिवार वाले भी तो है, अगर हमें कभी कोई तकलीफ होगी तो हम उन लोगों से मदद ले लेंगे। तो कब निकल रहे तू दिल्ली? इसी शुक्रवार को। बेफिक्र होके जा, इनकी देखभाल के लिए मैं हूँ यहाँ। थैंक यू, थैंक यू। नहीं ऐसी बात नहीं है। Oh,
लक्ष्मी, लक्ष्मी, मैं ठीक हूँ। राम कहाँ है? राम। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा ले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे की रक्षा करो। ये सब कैसे हो? आप ठीक है ना? सर, मैं गहरी चोट लगी है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। आप पैसों का इंतजाम कीजिए। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, पर अपने बेटे पर आंच नहीं आने दूंगा। सर, मेरा बेटा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मुझे थोड़े अच्छे दाम देंगे तो मेहरबानी होगी। जमीन का मार्केट डाउन है, इससे ज्यादा मैं और दे नहीं सकता। ये लीजिए, पूरे 2 लाख है। रखिए, ये लो 50,000 रुपए। जमीन बेचकर 2 लाख मिले, इसे मिलाकर 2.5 लाख हुआ। ऑपरेशन के लिए 3 लाख चाहिए, 50 फिर भी कम है। मैं जो पैसे दे रहा हूँ उसका मुद्दल और ब्याज टाइम पे मिल जाना चाहिए, और अगर मुझे पैसे टाइम पे वापस नहीं मिले उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जी ठीक है। एक साल तक इसका ध्यान रखना होगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तू बहुत दयावान है भगवान, जो तूने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया, वरना मैं इस त्याग की देवी को क्या मुंह दिखाता। एक साल तो बहुत जल्दी बीत जाएगा, गांव में जो 2 एकड़ जमीन है उसी के सहारे दिन कट जाएंगे। अब से मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है, उसके लिए मेरा सब कुछ लुट जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं। उनकी हिफाजत के लिए मैं खुद को भी बेच सकता हूँ। मेरा मुद्दल और ब्याज टाइम पे मिल जाना चाहिए, मुझे बस यही कहना है। अगर मेरा शौक मेरे परिवार को तकलीफ दे सकता है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा शौक। अब से मेरा मकसद फोटोग्राफी नहीं है, मेरे परिवार की खुशियां हैं। अब मैं सब कुछ भुलाकर अपने परिवार के लिए जीऊंगा। उनके लिए मैं अपनी बचपन की ख्वाहिशों का गला तक घोट सकता हूँ, अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। मैं आज से फोटोग्राफी छोड़ दूंगा, अपने इन ख्वाहिशों को छोड़ दूंगा जो मुझे अपने परिवार से दूर ले जा रही है। ऐसी खुशियों का क्या फायदा जिनमें अपनों की तकलीफें छिपी हो। मैं उनके साथ ही अन्याय नहीं होने दूंगा। उनकी खुशियों को देख देख कर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिरकार श्रीधर राव जिंदगी से हार मानकर फैक्ट्री में एक मामूली मैकेनिक बन जाता है। क्या कर रही हो? दुख सा है। बैठ, हिल क्यों रहा है? बाल बनाने दे। करो ना। चुप कर। बाल की खाल निकाल रही हो। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए ना डैडी, मुझे चंपक लाल बना रही है। अब स्कूल में मुझ पर सब लोग हंसेंगे। अच्छा। बकवास बंद कर, पढ़ाई करने जाता है कि हीरो बन। अपने बाल खुद बनाने दो ना। लो बेटा बना। अरे मेरा बच्चा, मेरा शेर। परेशान हो गई हूँ, स्कूल के बाद आवारा लड़कों के साथ खेलने चला जाता है, छोड़ूंगी नहीं इसे। अरे क्या हुआ, क्यों अकेले में बड़बड़ा रही हो? जब से छुट्टियाँ शुरू हुई हैं ये लड़का घर पे टिकता ही नहीं है। देखो फिर रोड पे खेलने चला गया, आज इसकी टांगे तोड़ दूँगी। रुको 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 रुको, ये लो पकड़ो इसको, मैं कान पकड़ के लाता हूँ उसे। कबड्डी 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 डैडी 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 कबड्डी 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 कबड्डी। अरे मेरी नाक मत कटवाना, मुझे तेरे बाप की कसम, मौका मिला है मार दे चौका, आराम से बैठो। ये अरे क्या लाइन पे पहुंचे, बहुत अच्छा खेले। ए, हाँ रवि, साइकिल तो झकास है यार।
भंगार में से लिया? भंगार से नहीं, दुकान से लिया। प्लीज रवि, मुझे एक राउंड देना चलाने को, प्लीज। नहीं रे भाई, टायर घिस जाएगा और पापा ने मना किया है। प्लीज रवि, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, पापा को पता चला तो मेरी बैंड बजा देंगे। ए रवि रुक जा। मेरे लिए नई साइकिल। थैंक यू डैडी। हे राम, उठो उठो उठो, चार बज चुके हैं, पढ़ाई नहीं करनी है। अभी भी सो रहे हो? ये लो दूध पी लो। हाँ चलो पी लो। हाँ पापा मैं जा रहा हूँ। अच्छा ध्यान से लिखना, मुझे लेट हो रहा है। हाँ ठीक है। पेपर बहुत टफ था यार, लगता फेल हो जाऊंगा। अरे मुझे तो लगता है मुझे अंडा ही मिलेगा। अरे बेटा कैसा रहा पेपर? ये बच्चे कह रहे हैं पेपर बहुत टफ था। अरे नहीं पापा, पेपर तो बहुत इजी था। ये हुई ना बात। आजा बेटा आजा, बहुत बढ़िया, चल। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तू पास हो गया। ऐसा लग रहा था अंडा ही लेकर आएगा। अगर फेल हो जाता ना तो तेरे लिए जॉब देख रखा था गोबर उठाने का। हर सब्जेक्ट में लटकते लटकते बचा। ए रहने दे रहने दे, कम से कम पास तो हुआ ना पापा। हाँ। मैं आगे की पढ़ाई साइंस से करना चाहता हूँ। अच्छा, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बता। ए चुप कर। ए पापा, मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी साइंस ले रहे हैं, प्लीज मुझे भी लेने दीजिए ना। बेटा ये जरूरी नहीं कि दोस्त जो करे वही तुम करो, तुम्हें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगी, समझे? अरे जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट है। क्या धमाल मूवी थी, बरसों बाद ऐसी मूवी देखी। बिल्कुल सही गया। बेटा यहाँ क्या कर रहे हो तुम, कॉलेज नहीं गए? गया था ना, पर वो क्या हुआ कि आज केमिस्ट्री वाले सर नहीं आए थे तो क्लास कैंसिल हो गई, इसलिए हम यहाँ आ गए। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है बैठो बाइक पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तीड़ी तीसरा, चौका चौथा। सात सीढ़ी क्या खेल रहा है, पेपर लिख। लाख रुपए फीस भरने के बाद अगर इतने कम नंबर आए तो ऑफिसर की जॉब तो मिलने से रही, तुम्हें चपरासी के जॉब के लिए भी कोई नहीं पूछने वाला। ऐसा ही रहा तो तुम्हारे पढ़ाई के चक्कर में हमारा दिवाला निकल जाएगा। चुपचाप किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले ले। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत सारी सीट है, एडमिशन आराम से मिल जाएगा। तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा कौन से कॉलेज में? विजडम कॉलेज। विजडम कॉलेज? पर उस कॉलेज की फीस तो बहुत ज्यादा है और ऊपर से डोनेशन भी देना पड़ेगा। घर में क्या पैसों का पेड़ लगा है, जो तोड़ ले। डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले ले। शे डिग्री मुझे नहीं करनी। ए राम क्या हुआ बेटा? पापा मेरे सभी दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मुझे भी वहीं एडमिशन लेना है, प्लीज पापा। इस पैसे का ब्याज हर महीने मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल है ना, हो जाए। थैंक यू सर। श्री बेटे की पढ़ाई के लिए तूने कर्ज पे पैसे तो ले लिए, पर उन्हें चुकाएगा कैसे? अब से मैं दिन के साथ साथ रात में भी काम करूंगा, मतलब कि ओवरटाइम। अपने परिवार के लिए तो मैं खुद को भी बेच सकता हूँ। चलो थैंक यू सर। चलो ये सब क्या उठा लाया? चार जोड़ी जूते, पांच जींस। कल से ये कॉलेज जाएगा ना, इसीलिए इसके लिए ये सब खरीदा है। एक दिन घर की लुटिया डुबाएगा। सुनो बेटा, अब तक तुम्हें जितना वक्त बर्बाद करना तो कर लिया,
लेकिन अब जो ये तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई है ना, यही इस बात का फैसला करेगी कि तुम्हारा आने वाला करियर और तुम्हारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। मेरी बातों को लेक्चर समझकर नजरअंदाज मत करना, मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए पापा। क्या हुआ, घबरा रहे हो? हाँ, वो क्या है ना, मेरी पहली जॉब का इंटरव्यू है तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। जब पढ़ाई का टाइम था तो क्या दोस्तों के साथ लूडो खेल रहा था? नहीं तो ऐसी बात तो नहीं है। तो कैसी बात है, लूडो नहीं तो क्या सांप सीढ़ी खेल रहा था? मैं बच्चों की गेम नहीं खेलता। अच्छा, तो कायरों की तरह घबरा क्यों रहा है? डर लग रहा है। हाँ, रिजेक्ट हो गया तो? एक पते की बात बताऊं तुझे, जो कम मार्क्स लाता ना हमेशा वही घबराता है, और जब मार्क्स ज्यादा हूँ तो कॉन्फिडेंस अंदर से ओवरफ्लो करता है। सच में? हाँ, बी कॉन्फिडेंट यार। ओके, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। हु इज मिस्टर राम? हाँ, इट्स मी। यू कैन लीव नाउ। क्या? सीनियर्स ने ब्रेन का इस्तेमाल किया, आखिर में खाली ब्रेन से ये नतीजा निकला कि इन 60 लोगों में तुम्हारा नंबर 40% से भी कम है, तो तुम्हें यहाँ से 9-2-11 कर दिया जाए। कंपनी में ऑलरेडी यूजलेस भरे पड़े हैं, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा यूजलेस नहीं चाहिए। उन्हें डर है कि कहीं तुम इस कंपनी के बॉस बन गए तो। सर, यू मे लीव नाउ। बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। हाय, ऑल द बेस्ट। हां, हाय हाय। हेलो हेलो जी। हेलो। देख रहा है, इंटरव्यू होने से पहले ही हकाल दिया, और रुकता तो जूते पड़ते। क्या रे, जोकर दिख रहा हूँ क्या तुझे? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। क्या कभी कम मार्क्स लाने वाले को देखा नहीं है तूने? सुनो बे, पढ़े लिखे लोग ना आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप चला रहे हैं, और अनपढ़ लोग कुर्सी गरम करके देश की वाट लगा रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, पढ़ लिख कर लोग माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और उस कंपनी का जो मालिक है वो खुद एक फेलियर है। सुधर जाओ बे, वरना एक दिन मैं ही तुम पे राज करूंगा। अरे, एक जॉब गई तो क्या टेंशन लेता है रे? मेरा बापू 10वीं में 10 बार फेल हुआ था, लेकिन आज तक उसको शर्म नाम की चीज नहीं है। अरे, कॉलेज ज्वाइन करके तो जिंदगी बिल्कुल झंड हो गई है। जब फ्रेशर था तो रैगिंग से बचने के तरीके ढूंढ रहा था, अब सीनियर बन गया हो तो रैगिंग करने के तरीके ढूंढ रहा हूँ। सही बोल रहा नागराज, वो कहावत है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे खराब, एकदम सही कहावत है। पढ़ाई में पैसे बर्बाद करने से तो अच्छा है अपना एंटरटेनमेंट करो, पिक्चर देखने जाओ, लोनावला में जाके चिक्की खाओ। एकदम करेक्ट, पढ़ाई लिखाई इतनी मुश्किल है कि उसका नाम लेते ही मुझे उल्टी होने लगती है। अबे कुएं के पिलपिले मेंढक, ये लिखना पढ़ना अपन लोगों का काम नहीं है, वो तो किताबी कीड़ों का काम है रे। और पास होके किधर का राष्ट्रपति बनेगा बे? क्यों, गवार लोग जीते नहीं है क्या? सही कहा, आजकल लोग बड़ी बड़ी कंपनी बनाते हैं, और उस कंपनी में 4 चिरकुट लोग सुबह सुबह टाई पहन के जाते हैं। वो दीवार में घड़ी होती है ना, उनकी पूरी लाइफ उसी पर टिकी है। ए बकवास बंद करो, चलो वापस कॉलोनी चलते हैं। ए रुको 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 रुको, इधर चिक्स बुक ली जाएगा, 150 रुपए होएगा। उड़ी बाबा, बाजू में तो है इतना ज्यादा। बाजू में है तो चल के जाना। क्या हो भाई साहब, क्या बात है? वही रोज का मारा मारी, शरीफ आदमी देखा नहीं कि लूटना चालू। अच्छाई का तो जमाना ही नहीं है भाई साहब, ऑटो वाले से पूछो नखरा मारता है, कैब वाले का मीटर रॉकेट की तरह भागता है, ट्रेन का भीड़ पापड़ बना देता है, आदमी जाए तो जाए किधर? भगवान ने ब्रेन दिया ना। हाँ दिया ना, तो यूज करना, ध्यान से देख। हेलो एम्बुलेंस, मेरे जिगरी दोस्त को मिर्गी का दौरा पड़ गया, जल्दी आइए। अरे एड्रेस तो नोट कर लीजिए। हैदराबाद का लोग तो बहुत चालू है। हम कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? अपोलो। नहीं नहीं, वो महंगा है, किसी सस्ते में चलते, मैं लेके चलता हूँ। हाँ ठीक है। इसको क्या हुआ? अरे चिप्स का पैकेट हाथ में था तो गलती से चिप्स की बजाय प्लास्टिक खा लिया, तो ये सांस अटक गई और ये ऐसे हो गया। डोंट वरी, अभी इंजेक्शन मारता है, मजा आएगा। ए नागराज, सुई सुई। अरे भाई, सुई से एलर्जी है, अबे तुम लोगों को तो पता है ना, बोलो। अयो, कुत्ते ने नहीं काटा है जो इंजेक्शन लगा रही हो आपको। मरीज को सुई लगाते शर्म नहीं आती? कुछ हो गया तो इसके बाप ने जो लोन लिया वो भरेगा। अगर ये बिना शादी के मर गया तो पापी कौन? ये बैटरी, मेरे हंसते खेलते दोस्त को छूना मत। हाँ आ गया, आ गया, साइड में लगा। चलो रे पंडा लोग, अड्डा आ गया। चल, एम्बुलेंस में एक भी ढंग का चार्जर नहीं, इससे फोन तो चार्ज होता नहीं, आदमी खाक चार्ज होगा।
चलो रे चलो, पहुंच गए हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ तो हॉस्पिटल है ही नहीं भाई। हॉस्पिटल कैसे जाना था, हमें तो यहाँ आना था। लिफ्ट ले, थैंक्स, चलते चलते। ओके, वो तो अच्छा है कि मैं अंदर बैठा हूँ, बाहर होता तो। नहीं तो क्या कर लेता रे तू, जल्दी निकल, नहीं तो इसी एम्बुलेंस में पेशेंट बन के जाएगा। खटारा लेके चल ले। हम लोग बस ये चेक कर रहे थे कि गवर्नमेंट की एम्बुलेंस है, कितनी जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाती है, बस और क्या। शक्ल अच्छी नहीं लेकिन काम अच्छा किया। चल निकलो, दफा कहीं जाके डूब मरो। मैं ट्रैवल करना चाहता हूं। पांच कटिंग चाय, एक खजूर भर के देना। ठीक है, लाता हूं। सुन, ऑफिस से सीधे घर आना और कहीं मत जाना। ठीक है पापा। वो देख रवि आ रहा है। टाइम पर लंच करना, टिफिन लाया है ना। पापा मेरे पास है। हाँ, दोस्तों के साथ इधर उधर कुछ मत खाना, खराब खाओगे हॉस्पिटल में जाओगे। हॉस्पिटल में जाओगे तो अलग से बिल और बनेगा, और तेरी पूरी सैलरी जाएगी डॉक्टर की जेब में, समझ गया? जी समझ गया। हाँ। इसने बेटा नहीं रोबोट पैदा किया है, जिसे दिन भर अपने रिमोट कंट्रोल से यहाँ से वहाँ नचाता रहता है। ये तो बाथरूम जाने के लिए भी अपने बाप से परमिशन लेता होगा। शहर के सारे लफंगे यहाँ मौजूद हैं और सारे के सारे काम चोर हैं। सुन, इनके साथ रहकर मेरी नाक मत कटवाना, इन्हें शर्म तो है नहीं, और माँ बाप की बची इज्जत को बाजार में बेचकर खा गए। मेरी बात समझा? जी अत्यंत समझ गया। लो आ गया हरिश्चंद्र की औलाद। बाप के सामने बहुत सीधा बन रहा है, कॉलेज में लड़कियों की दुम बन के घूमता था, सुना है बहुत अच्छी जॉब मिली है, अब देखो मजा। ए रवि, उन्हें देखना मत। शाम को चंपा गली आ रही है मिलने, तू भी आ जा। क्या बात कर ले तहां पे? क्या कहा? क्या कहा मैंने? क्या कहा? मजा आ गया। सुनो, काम सुबह तक हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा सर। यस सर, डोंट वरी सर। सॉरी, मैंने तुझे देखा नहीं। आंखें हैं ये बटाटे, दिन में भी दिखाई नहीं देता। सॉरी बोला ना, दूसरा बना ले, इतना क्यों हाइपर हो रही है? मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, तूने ये सब जानबूझ के किया। ए, फिर से झगड़ा कर रहे हो? जरा देखो ना माँ, इसने मेरी पूरी ड्राइंग खराब कर दी। दो चार गोले बनाए थे, फिर से बना ले। क्या बना लूं? उसे सुबह से बैठ के बना रही थी और तूने पूरी खराब कर दी, अब फिर से बनानी पड़ेगी। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं बना देता हूँ, चल अब साइड हट। क्या बात है, तूने तो बड़ी जल्दी बना दी। देख लिया ना, अब अपने लिए भी तो ऐसी बना ले। ए, मुझे दे। चल, ये मैंने अपने लिए बनाई है, तुझे चाहिए तो तू खुद अपने लिए बना ले, और क्या। ए, मुझे देता है कि नहीं? नो, तूने मुझे 20 टाइम्स हाथों से मारा और 24 टाइम्स पिलो से मारा, 20 प्लस 24 हो गए 44। चल अब उठक बैठक कर। क्या? उसके बाद ही मिलेगा। अब तू मुझसे बदला लेगा? यस। बकवास बंद कर और मुझे दे। आहा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं करती हूँ करती हूँ। तू अच्छे से कर। ए, नाटक बंद कर, दे देना उसका पेपर। अभी नहीं माँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। ले लिया। चलो बैठो, नाश्ता करो। इसके रोज रोज के टॉर्चर से मैं थक गई हूँ माँ। और हम सब तुझसे पूरी तरह पक गए। माँ जल्दी से इसके लिए कोई घोंचू ढूंढो और भगाओ इस छिपकली को यहाँ से। जब देखो पकड़ 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 पकड़। लक्ष्मी, दूध वाले चंदू को पैसे दे देना। ठीक है पापा। हाँ। इस सेमेस्टर की फीस भरनी है। फिर से कैसे, अभी तो फीस भरी थी। उसे तो 6 महीने हो गए। ठीक है, उनसे कहोगे एक हफ्ता रुक जाए। ओके पापा। चटनी देना। अच्छा वो तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा कल वाला? हाँ, मैं सिलेक्ट हो गया ना पापा। हाँ। बस क्या है पापा कि कंपनी बहुत छोटी है और सैलरी भी बहुत ही कम दे रहे, और तो और कह रहे पुणे जाना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को छोड़ के पुणे कैसे जा सकता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी और कोशिश करता हूँ तो यही काम मिल जाएगा। कोई बात नहीं। खाना। बस आज अपने प्रकाश की बेटी की शादी है ना, वहाँ सबको जाना है, जल्दी से तैयार होके पहुंच जाते हैं, वरना लगेगा सिर्फ खाना खाने आए हैं। ओके पापा। देखना तेरी शादी में ऐसा ही चकाचक बोर्ड बनाऊंगा, कीर्ति वेड्स कबाड़ी वाला। ए चुप कर, दुनिया में तुझे और कोई नहीं मिला क्या? नहीं तो क्या, आसमान से कोई राजकुमार आएगा तेरे लिए। और बताइए सब ठीक है ना? चल यार, बड़े दिनों बाद मिले। अरे एक मिनट काका, आइया जो है। अरे दुल्हन जी, आपको व्हाट्सएप करूं क्या? इधर देखो ने। अरे ये क्या मनुष्य जैसा चेहरा? अरे काका थोड़ा हंसो ने। अरे काकी जरा एक मिनट, कैमरे से आंख मिलाओ ने। कथा क्या कर रहा है? अरे इतना मत शर्माओ, काका के पास जाओ। हाँ एक नंबर, ये हुई ना बात। अरे थोड़ा हंसो ने यार। हाँ, सारूच है। अच्छा सुनो, ये फोटो क्यों खिंचवाए जाते? इसलिए ताकि शादी हो या बर्बादी बद्दू याद रहे।
सिर्फ याद रखने के लिए नहीं बल्कि उन सारी पुरानी यादों को ताजा करके महसूस करने के लिए। अरे भाई साहब, इस फोटो से मेमोरी ताजा नहीं होगी? नहीं, इनसे नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी खींची हुई तस्वीर में जान ही नहीं है। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि हमसे कुछ कह रही है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे तुम्हें नेचुरली अपने कैमरे में कैद करना चाहिए। तुम्हें उनके इमोशंस को परफेक्टली कैप्चर करना है। शादी की हर रस्म का कोई ना कोई मतलब होता है, उसके पीछे एक भाव होता है। रस्म के वक्त उनको कैमरे की तरफ नहीं, एक दूसरे की तरफ देखने दो। एक दूसरे के लिए जो फीलिंग है उसको कैप्चर करो। एक दूसरे के कितने करीब है वो उसको कैप्चर करो। एक दूसरे को देखते वक्त उनकी आंखों में जो प्यार नजर आता है उसे कैप्चर करो। मंगलसूत्र पहनाते वक्त जिंदगी भर साथ निभाने का जो वादा है उस वादे के जज्बात को कैप्चर करो। लड़का और लड़की के दिमाग में कितनी सारी बातें चल रही होती है उन एहसास को कैप्चर करो। माँ बाप जब अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते हैं और उस वक्त जो उनके चेहरे पर खुशी होती है उस खुशी को कैप्चर करो। उसे कहते हैं फोटो। जब वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरे हुए होते हैं और उस वक्त जब तुम फोटो लेते हो और वो नेचुरल चीज मिल जाती है। ऐसी खींची हुई तस्वीर में जो मजा है ना वो किसी में नहीं है दोस्त। ज्यादा टेक्निक में मत घुसो। अच्छा कैमरा होगा तो अच्छी तस्वीरें आ ही जाएंगी, इसमें कोई करामत नहीं है। लेकिन तस्वीरों का असली मजा तो तब है जब इमोशंस गायब ना हुए हो। मेरी बात याद रखना। मेरे बेटे को इटली बेचने का जॉब मिला है, मैं तिरुपति जाके दर्शन करेगा। मेरा बेटा बिरजू ऑलरेडी कनाडा में जॉब कर रहा है। जब वो यहाँ पढ़ाई कर रहा था तभी उसे ऑफर मिल गया, पढ़ाई के बाद कनाडा में ज्वाइन कर लिया। कंपनी चाहे इंडिया की हो या फॉरेन की, जॉब मिलते ही फॉरेन ज्वाइन कर लो। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, नालायक घर में बैठे रहते हैं, जो होशियार होता है वो ऊंची उड़ान भर जाता है। सब कर देंगे हम, तुम लोग को जानते नहीं हो, समझ क्या रखा है? ये घर आने का टाइम है, बहुत जरूरी काम था माँ। ऐसा कौन सा जरूरी काम होता है तुझे जो रोज रात को लेट हो जाता है? खिटखिट बंद करो, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, जिनके साथ घूमता है ना उन्हीं के घर जाओ, वहीं सो जाओ। क्या मजाक कर रही हो माँ, दरवाजा खोलो ना। नहीं खुलेगा, आज बाहर रहेगा तो कल से तुझे जल्दी घर आने की आदत हो जाएगी। अगर दरवाजा नहीं खुला तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। जा। ठीक है, जा रहा हूँ, फिर बाद में रोते रोते मेरे पीछे मत आना। अरे जा रे, आखिरी बार बोल रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा मैं। नहीं रे, आज मेरे साथ अनुष्का, दीपिका और वो मेरी फेवरेट वाली कटरीना, सब मेरे साथ है, जगह नहीं है। ये ब्यौरा कभी नहीं सुधरेगा। रोज रात को आवारा गर्दी करता है और घर देर से आता है, तेरे चक्कर में रोज रात का खाना कुत्ते को डालना पड़ता है। कोई बात नहीं, मरने के बाद स्वर्ग में तो जाओगे। कमीने तू मर, मैं क्यों मरूं? जब से पैदा हुआ जिंदगी नरक कर दी है। सिगरेट पीता है? ये बाहर रोड पर पड़ा था तो मैंने सोचा डस्टबिन में डाल दूं। किसका फोन आ रहा है? दोस्त का फोन है। आवारा गर्दी से पेट नहीं भरा तो फोन आ गया, दे इधर। अबे कमीने, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? ए, रुक रुक, आइटम का फोन आता तो जल्दी उठा लेता। जबान संभाल, मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। तेरे बाप ने तुझे गालियां देना सिखाया क्या? ओ सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था। हाँ ठीक है, इतनी रात मेरे बेटे को फोन क्यों किया? वो घर वालों ने खुले साड़ की तरह छोड़ा है क्या? हाँ। लवारिस कहीं का? अच्छा ये बता फोन क्यों किया? आपके यहाँ एक रात गुजारनी थी। स्टूपिड, फोन रख। यहाँ तो एक भी बंदा नहीं है और यहाँ बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, सीन क्या है? ठीक है, हाँ हाँ सर, एक मिनट रुको, देती हूँ, रुक जाओ। इतनी खूबसूरत इडली डोसा वाली, क्या ब्राइट फ्यूचर है मेरा, साथ मिलकर इडली डोसा बेचेंगे।
बैटर तो खत्म हो गया, चटनी तो सब चाट चाट कर खा गए, यहाँ भी खत्म। ये लीजिए आंटी, आज के सारे आइटम खत्म हो गए हैं, तो आप घर जाइए और आराम कीजिए। भगवान तुम्हें खुश। अरे रे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके आंटी, मैं चलती हूँ। सुबह से एक भी प्लेट नहीं बिका अन्ना। देख लिया पंगा लेने का नतीजा, दूसरी बार ऐसा किया ना तो दुकान भी नहीं दिखेगी। बोलती बंद हो गई थी। अंकल जरा चटनी देना। ए, कितना चटनी खाएगी? इडली खाएगी दो और चटनी पिएगी दुनिया भर का। यहाँ मिली ऊपर मत मिलना, वहाँ कोई चटनी और सांबर नहीं मिलता, चटनी खाएंगी। याद है जब मैंने चटनी मांगी थी तुमने क्या जवाब दिया था? अब रात भर सिर्फ मक्खियाँ ही मारते रहना, क्योंकि उनके अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा। चलो। वो लड़की नहीं आग का गोला है, पास गए तो जल के राख हो जाओगे। क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? किस लड़की की बात कर रहे हो? मैं तो बस क्वालिटी देख रहा था। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। उसके लिए नजर चाहिए ना। क्या बात कर रहा है? हाँ, जरा सी चटनी ना मिलने पर उसने किसी का धंधा ही चौपट कर दिया। इसका मतलब वो बहुत पहुंची हुई चीज है। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है, लेकिन फिर भी डोसा बनाने से शर्माई नहीं। इतनी सिंपलिसिटी और डाउन टू अर्थ नेचर कहाँ मिलती है आजकल। आंटी को पैसे वापस करते हुए गले से लगाया, एक आदमी को सबक भी सिखाया। इतनी इंसानियत कहाँ मिलती है आजकल। उसके लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है। हाँ जी, और तू अपनी सोच बदल। हम जब किसी को देखते हैं ना, तो सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं देखते, अंदर की क्वालिटी भी देखते हैं। तू कह रहा था वो आग का गोला है, तो अगर किसी खूबसूरत लड़की में इतनी सारी क्वालिटीज हो तो फॉलो तो करना चाहिए ना। सही कह रहे बॉस। तो फिर देख क्या रहे हो, बजाओ ना। अच्छा सबक सिखाया ना उसे। हे नैना, चल उस तरफ चलते हैं, ड्रेस लगाएगी क्यों नहीं। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, आखिर मेरी सपनों की रानी मिल ही गई। अब आप यहाँ क्या कर रही हो? घर से तो निकाल दिया, बच्चे की जान लोगी क्या? मैं भी यही पूछ रही हूँ, दोस्त के घर गया था ना, इतनी जल्दी कैसे आ गया? कौन सा घर है? ये किसका घर है? माँ, ये घर तो खाली था ना, कोई रहने आ गया क्या यहाँ पर? हाँ, दो दिन पहले ही कोई आया है। सिर्फ दो दिन पहले, और मुझे पता ही नहीं। तू घर पर रहे तो तुझे पता हो ना, आवारा कहीं का। लव यू माँ, इतनी अच्छी गुड न्यूज़ देने के लिए। छोड़ मुझे। जी हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं और घर में सूखा पड़ा है, किसी प्लम्बर का नंबर हो तो गिव मी प्लीज। अपने बेटे से पूछती हूँ, एक मिनट। राम, अरे राम। क्या हुआ माँ? सोनू प्लम्बर का नंबर है क्या? मुझे नहीं पता, खुद ढूंढ लो माँ। अरे थोड़ा अर्जेंट है। हमेशा काम ही देती रहती हो, क्यों चाहिए आपको? अरे मुझे नहीं चाहिए, सामने वाली आंटी को चाहिए। सामने वाली आंटी? वो यहाँ खड़ी है। आंटी जी, क्या हुआ? क्या है बेटा, घर में ऑल के ऑल पाइप्स लीकिंग हैं। ओ, लीकेज प्रॉब्लम। मैं हूँ ना आंटी जी, टेंशन मत लीजिए। बगल में छोरा शहर में डंडोरा है। इतना खुश क्यों हो रहा है? कान खोल के सुन, इस घर में जितनी लीकेज है सबकी सब बंद होनी चाहिए, एक बूंद भी गिरी तो तू गया। हाँ ठीक है आंटी। अब जाकर चाय बना लीजिए, मेरे कप में एक्स्ट्रा मीठा। थैंक्स बेटा। छुए कितना काम करे, जल्दी करना। अगर इतनी खाई है तो खुद ही आके टाइट कर लेना। नैना? हाँ माँ। नैना सही है, राम नैना
बहुत अच्छी जोड़ी है। पनौती है। इसकी बात कर रहा हूँ, टूट गया। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? जा काम करना। वो तो हो गया। इतनी जल्दी हो गया? तू ही तो चिल्ला रहा था, पैसा दे, टाइम खोटी मत कर। आंटी इसका काम हो गया, इसे पैसे दे दीजिए। ये लो तुम्हारे पैसे। मुझे क्यों दे रही हैं आप? इन्होंने काम किया, तुमने सुपरवाइज किया। घर बसाने की लुटेरे आ गए। ये टी शर्ट तेरे लिए पनौती है, इससे अच्छा इसको निकाल के नंगा घुमा कर। बड़ा हीरो बन रहा था, लंगोटी निकल गई ना। चुप ना। मुझे पता है वो पड़ोस में ही रहता है, ये तो मैंने उसे लिमिट में रखने के लिए किया। एक तो वो हेल्पिंग कर रहा था और तू है कि उसकी बुराई कर रही है। हेल्प करना तो उसका बहाना था, असल में मुझे वो घूरने आया था। ये लड़की बहुत पहुंची हुई चीज है। चटनी ना मिलने पर किसी का धंधा चौपट कर दिया इसने। इसे पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मैंने उसे प्रॉब्लम के बारे में बता दिया है, तुम बेफिक्र रहो। हाँ, पक्का पक्का। मैंने कहा ना, मैं तुम मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? ए, कब खींची? मैंने अभी अभी देखा तुम खींच रहे थे। तुम्हारी फोटो खींच के मैं क्या करूंगा? आंटी, आंटी। मैं बुला रहा हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी। आंटी, बाहर आइए। क्या हुआ बेटा? Why shouting? नैना अगेन फाइटिंग। देखिए आंटी, मुझसे बिना पूछे मेरी फोटो ले रहा है। ए, ऐसा किया? माँ, मैं फोटो ले रहा था, लेकिन अपनी सेल्फी ले रहा था। ये झूठ बोल रहा है, इसके फोन में देखिए आप। हाँ, देखो देखो। तुम्हारी फोटो नहीं खींच रहा था, ये देखो। माँ, मैं सेल्फी ले रहा था, इनकी फोटो नहीं खींच रहा था, मैं ऐसा क्यों करूंगा? सॉरी बेटा, फॉरगिव माय बेटी। इसे तो हर लड़के के सिर पर सिंह ही नजर आते हैं। हमारे पुराने घर में तो इसने कई लड़कों को डॉग से बाइटिंग करवा दिया था। अब ये सब बोलने की क्या जरूरत है? शट अप, तंग आ गई हूँ मैं तुझसे। मेरा जीना ही बिल्कुल हराम कर दिया है। बॉय नेक्स्ट डोर को सॉरी बोल। इट्स ओके आंटी, जाने दीजिए। पक्का इसने फोटोज लिए होंगे? नहीं नेबर, इसे सॉरी बोलने दो। दांत तोड़ दूंगी, सॉरी बोलने कहा ना। सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। सॉरी सिस्टर, अब बुरा मत मानना। गो टू इनसाइड। अंदर चल। ए, अपनी जासूसी बंद कर, जा टीवी पर कार्टून देख। कब तक लगी रहोगी? मैं अभी खत्म कर देता हूँ। हेलो, ओए, हेलो। अरे उठा ना। बात करो माँ। अच्छा माँ, सॉरी। आप उल्फी हो? मैं उठाता हूँ ना। अरे बेटी तो बैठ जाइए। आप जाओ, मैं आता हूँ। आलतू जल, आलतू टायर की हवा निकाल तू। अब चला स्कूटी। सुनो काम चोरो, कैब वाला आ रहा है, वो यहाँ पहुंचना नहीं चाहिए। ब्रेक मार। अरे भाई, रुकावट के लिए खेद है, बहुत हो गया, धंधा निकल बाहर। अरे क्या हुआ बेटा, अभी तक यहीं स्टैंडिंग? खुद ही देख लो। ओ माय भगवान, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मां, 10 बजे की मीटिंग है, टाइम पे नहीं पहुंची तो मैनेजर जान ले लेगा। कैब वाले को कब से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा। कॉलिंग तो करो उसे। अरे सीधा गड़े रे, कस्टमर कॉल आ रहा है। हाँ मैडम। हाँ, कहाँ पहुँचे भाई? चार मीनार पर गाड़ी धो रहा हूँ। चार मीनार पे? हाँ, और क्या, आप आधा घंटा वेट करो, मैं 2 घंटे में आता हूँ। अरे व्हाट हैपेंड बेटा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और कह रहे हैं 2 घंटे में आएगा। माँ, मम्मी, मैं चार मीनार जा रहा हूँ, कुछ लाना है तो बता देना। सुना माँ, मैं चार मीनार ही जा रहा हूँ, कुछ लाना है तो बता दो। ये सूरज पश्चिम से कैसे निकला बेटा? जी आंटी। तुम चार मीनार की तरफ गोइंग? जी आंटी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। नैना की स्कूटी पंक्चर, तो क्या तुम उसको ऑफिस ड्रॉपिंग? तू शट अप कर।
आंटी एक्चुअली वो पेट्रोल का पैसा आई गिविंग अच्छा ओके आंटी नो प्रॉब्लम भेज दो उसे जा बेटा नहीं मैं नहीं जा रही एक दिन की पगार कटाने से अच्छा है तू नेबर के साथ जा अच्छा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है आज नजारा अच्छा है ना तू सपने देखता रहे मैं इसे ड्रॉप करके आती हूँ अरे मैं छोड़ दूंगा ना अरे चार मीनार ही तो जा रहा हूँ अच्छा पेट्रोल के पैसे मत दो यार राशन की लिस्ट सारा सामान ले आना अभी आगे चलो चलो कल्टी मारो ए मैं आ रहा हूँ भाई लेट हो रहे भाई अबे जाना तू अच्छी है ना हाँ हाँ बहुत अच्छी माँ और कितनी हमाली कराओगी चुपचाप काम कर ये भी रख क्या हूँ मैं अरे अब इसको क्या अपने सर पे रखूं बकवास बंद कर जगह बना के रख दे कहाँ रखूं इसे सत्यानाश हो इस लड़के से एक काम नहीं होता सब गिरा दिया मैं कह रहा था ऊपर जगह नहीं है ये क्या फालतू की फोटोज रखी हुई हैं रद्दी वाले को दे दो ना इनमें तेरे पापा की जान बसती है कभी उनके सामने मत कह देना वो मुझे पसंद है सर ये बताइए आप हमेशा खुश कैसे रह लेते हैं वो इसलिए कि मुझे जो पसंद है मैं वही करता हूँ और यही मुझे हर वक्त भरपूर एनर्जी देता है मैंने अपने प्रोफेशन फोटोग्राफी को ही अपना करियर बनाया मुझे खुद यकीन नहीं होता कि ये सब करते करते मेरे 25 साल कब गुजर गए मुझे वक्त का पता ही नहीं चला सर अब तक आपको कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं आपको कैसा लगता है अच्छा लगता है और इसीलिए मैं अपने बेहतरीन फोटोग्राफ्स को एग्जीबिशन के जरिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ सर क्या आपको अपने काम से कभी बोरियत महसूस हुई है? देखिए मुझे फोटो लेना बहुत पसंद है सर आप अपनी फोटो को कैसे डिस्क्राइब करेंगे मैं तो यही कहूँगा कि फोटो एक पावरफुल टूल है ओके जो एहसास से भरपूर है इंसान को रुला सकता है और एक चीज कर सकता है हमें भूली बिसरी यादों को फिर से एक्सपीरियंस करवा सकता है एक फोटो ने वियतनाम वॉर को रुकवा दिया था जहाँ लाखों की जान जा रही थी एक फोटो पूरी दुनिया को सोमालिया के तड़पते बच्चों की भूख दिखा सकता है सिर्फ एक फोटो और देखो अब तो फोन में आगे और पीछे दोनों तरफ हाई क्वालिटी कैमरास आ गए जिससे ये और भी सिंपल हो गया है बस अपना फोन उठाओ और क्लिक करो और ऑफ कोर्स कहना पड़ेगा उनमें भी कई अच्छे फोटोग्राफर्स हैं पर वो आप जैसे कभी नहीं बन सकते सर नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है बहुत से अच्छे फोटोग्राफर्स मौजूद हैं हो सकता है मुझसे भी बेहतर हो जो बस यहाँ तक ना पहुँच पाया हो और शायद वो कोई और काम कर रहा हो सर्वे के हिसाब से 90% लोग अपने शौक को मार कर एक दूसरी लाइफ जी रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनका परिवार एक बेहतर जिंदगी गुजार सके और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 10% लोग ही अपने शौक को अपना प्रोफेशन बनाते हैं और एक बेहतर और मनपसंद जिंदगी जी पाते हैं और मैंने उन 10% में रहने का फैसला किया है इसलिए मैं जो हूं आपके सामने हूं हर किसी को सोचा हुआ मकाम नहीं मिलता मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता था पर नहीं बन सका परिवार के लिए तो कुर्बानियां देनी पड़ती हैं मैं भी बाला सुब्रमण्यम की तरह गाता था सब लोगों को बोलते हैं बाथरूम में कब तक गाएगा ए, फिल्म का हीरो लोग के लिए गाना गाओ किस्मत देखो तुम लोग के साथ बैठा है नौकरी है हमारा भरा पूरा परिवार है हम बहुत खुश हैं भगवान से जो मांगा सब मिला भला और क्या चाहिए अरे जो फोटो मैंने खींची थी वो इस हफ्ते भी पेपर में आई है हमारी
हमारी अगली मीटिंग 6:30 बजे है ना? हाँ वहाँ पर। थैंक यू सर। फोटो ओके। हटिए हटिए प्लीज साइड हटिए। प्लीज एक फोटो प्लीज। तू क्यों जिंदगी का टाइम वेस्ट कर रहा है? तेरा कभी कुछ नहीं होने वाला। पैदा हो के तूने धरती पे एहसान किया है। सीवी देख, बकवास। थू ज्यादातर बड़े काम एवरेज मार्क्स लाने वाले लोगों ने ही किए हैं मैम। ये बात है? हाँ हाँ। तू एक काम कर, तू ना कोई रापचिक काम करके बता, फिर मेरे पास आ। हाँ कल्टी मार। खाया भैया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। हाँ अगर जॉब नहीं देनी है तो मत दो, लेकिन मेरे दिमाग का दही मत करो। ए, हुल किसको दे रहा है? हर बार बॉर्डर पे जा जा के पास हुआ है, फिर भी यहाँ जॉब मांगने आया है। ए, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, पहले टाई तो ठीक से पहन लो। हाँ? ओ, ओ, इसकी तो इंटरव्यू के लिए तुम जाते हो और चले आते हो, ऐसा कब तक चलेगा? कोशिश कर रहा हूँ पापा, पसंद की जॉब ही नहीं मिल रही तो क्या करूँ? बेटा पैशन के साथ पैसा भी जरूरी है, जिंदगी में हर किसी को पसंद की चीज नहीं मिलती। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें वक्त के साथ समझौता करना पड़ता है। फिर भी बचपन से लेकर आज तक मैं कोशिश करता रहा कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करता रहूं, ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। हर चीज दी मैंने, और अगर फिर भी तुम्हें कोई काम नहीं मिलता, इसका मतलब तुम्हें उसमें दिलचस्पी नहीं है। तो फिर किस चीज में दिलचस्पी है, मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। दिलचस्पी की बात नहीं है पापा। तो फिर अगर तुम्हें अपने टारगेट के बारे में पता होगा तभी तुम सही निशाना लगा सकते हो ना। वक्त बर्बाद मत करो, बीता हुआ वक्त वापस नहीं लौटता। ठीक है पापा। तुझसे बेटर तो ये बॉय है, कम से कम हाउस के काम में हाथ तो बटाता है। लेजी स्टुपिड गर्ल। मुझे पता है ये सब किसके लिए कर रहा है। बुलेट। बस बुलेट देखी नहीं कि सब भूल जाती है। देखिए ना क्यों इन्हें बुलेट बहुत पसंद है। अरे ये तो बहुत पुरानी कहानी है। जब ये छोटी थी तो इनके नाना के पास एक बुलेट हुआ करती थी, उस पर बिठाकर हर जगह घुमाते थे। जब ये पहली बार बुलेट पर बैठी थी तो इन्होंने ठान ली थी कि मैं भी किसी दिन बुलेट चलाऊंगी। लेकिन जब सीखने की बारी आई तो इनकी शादी हो चुकी थी, और तब से जब भी ये बुलेट देखती है तो बुलेट की तरह फटफटाने लगती है। तू चुप कर, जब देखो कुछ भी बोलती है। शादी के बाद तो ट्राई कर ही सकते थे आंटी। शादी के बाद दो बार ट्राई करेंगे। एक अंकल को ऐसे ठोका कि ऊपर जाते जाते रह गए, उसके बाद मैं बुलेट को कभी नहीं टचेंगे। आंटी आ जाइए, आपको बुलेट सिखाता हूँ। बुलेट? नहीं बेटा, अब इसे चलाना मेरे बस की बात नहीं है। पर तुम इसे लाए कहाँ से? आम खाइए ना आंटी, गुटलियाँ क्यों गिन रहे हो? अरे बैठिए ना। सबकी रक्षा करना। आप अपनी कर लो बस। ये क्लच है, अच्छे से पकड़िए। पकड़ें पकड़ें। अब स्टैंड ऊपर कर लीजिए। ओके। अब ये क्लच पकड़िए, ऑन कीजिए और ब्रेक दबाइए, गियर डालिए। अब धीरे से क्लच छोड़िए और रेस भी। जोर का झटका लगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। अब क्लच दबाइए, स्टार्ट कीजिए और धीरे से रेस लीजिए। टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपके साथ। हट जाओ यार। कहीं किसी को ठोक तो नहीं दिया? क्या फर्क पड़ता है, शौक तो पूरा हो जाएगा। वैसे वो दाना आंटी के ऊपर फेंक रहा है, पर उसका असली शिकार तुम हो। अभी तक नहीं आए, कहीं दूर तो नहीं निकल गए? चलो देखते हैं।
कंग्रेचुलेशंस आंटी, आप तो सीख गए। कब से बुलेट चलाने की सोच रही थी, आज ड्रीम फुलफिलिंग। पता है मैंने आज क्या किया? क्या? बुलेट चलाकर दूर गई थी। अच्छा। मैं दावे से कह सकती हूँ ये तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ही आंटी को पटाने की कोशिश कर रहा है। ए कहाँ जा रहा है? आंटी की खुशी बिल्कुल वैसी ही है जैसे बचपन में मेरी हुआ करती थी। पापा जब भी मुझे सरप्राइज देते तो मैं खुश हो जाया करता था। मेरा पहला स्टाइलिश स्कूल बैग। वो कलरिंग बुक। अब जरा इन पन्नों को पलटो। और वो वीडियो गेम। वीडियो गेम सब याद है मुझे। वीडियो गेम। एक छोटा सा सरप्राइज भी लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकता है और उनका बचपन लौटा सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां भी बहुत मायने रखती हैं और इनकी वजह से ही बेरंग जिंदगी बहुत रंगीन हो जाती है। अच्छा सरप्राइज मिलना मतलब लॉटरी लग जाना। तो मैं सोचा था कि क्यों ना हम इसे अपना करियर बना लें। करियर बनाएंगे? हाँ? क्या मतलब? सरप्राइज प्लानर्स, बर्थडे, मैरिज डेज, ऑफिस इवेंट्स, गेट टुगेदर। हम अलग अलग इवेंट्स के लिए अलग अलग सरप्राइज प्लान कर सकते हैं और इसके लिए हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। जिसको जैसा इवेंट करवाना है उसके हिसाब से हम बजट बना सकते हैं। छोटे के लिए कम, बड़े के लिए ज्यादा बजट। आइडिया हमारा, खर्चा उनका। मेरे पास झकास आइडिया है। मान लो किसी के घर पे कोई मर गया है, हम उसके घर पे जाएंगे और एक बड़ा सरप्राइज देंगे। सही कहा। रोते हुए को फिर से हंसाएंगे और मनहूस माहौल को खुशियों भरा बनाएंगे। मेरे आवारा भाई और उसके निकम्मे दोस्तों ने एक काम शुरू किया है। सरप्राइज प्लानर आइडिया काफी अच्छा है। क्या अच्छा? ये बकरे अब दूसरों को बकरा बनाएंगे। बोल चंपकलाल, क्या मांगता है तेरे को? मने एक छोकरी गमे छे, ऐसा सेटिंग बिठाओ कि वो दौड़ के मेरे पास आए। आ जाएगी। वैसे हमें बहुत सारे इवेंट्स के लिए ऑफर्स तो आ चुके हैं लेकिन हमने सोचा है कि पहली बोनी हम तुमसे ही करेंगे। थैंक यू, जोर से थैंक यू। ऐसी प्लानिंग करेंगे कि लड़की अपना घर छोड़ के तेरे घर पे जाके सेट हो जाए। ऐसा हुआ तो तेरे मुंह में जली भी फफड़ा, ऐसा नहीं हुआ तो आधी रात को तेरा मुंडन करके चला जाऊंगा। बी पॉजिटिव। वो कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। वही बात है। देखा कैसा बाटली में करा। वैसे आपको सरप्राइज कब देना है? बर्थडे पर। खुद के बर्थडे के लिए सरप्राइज? अरे खुद के बर्थडे पर कौन सरप्राइज देता है? क्या थी आवे छे तू? जहाँ से तू है। गर्लफ्रेंड का नाम दिव्या है। तेरी भी गर्लफ्रेंड है क्या? ये तो अपने को ही सरप्राइज दे रहा है। ठीक है ठीक है, गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना ना, हो जाएगा। लेकिन भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या हुआ? मरने वाली है? मरे तेरी गर्लफ्रेंड, लव प्रॉब्लम है। एक हफ्ते से वो कट्टी हो गई है। फोन करता हूँ तो जोर से काट डालती है। कल उसका बर्थडे ना, तो उसे सरप्राइज देके प्यार से इम्प्रेस करना चाहता हूँ। फिकर नॉट, आपका काम हो जाएगा। हाँ। पर मुझे ये बताओ कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों एक साल से तबला तोड़ प्यार करते हैं, पर एक महीने पहले उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रिया से मिलवाया। क्रॉस कनेक्शन। अच्छा तो तुम्हें अब प्रिया ज्यादा पसंद आ? हाँ, बहुत जोर से। एक्सचेंज ऑफर, पुराना दो नया लो। हाँ बिल्कुल। और अगर उसने तुझे ना बोल दिया तो क्या करेगा? मैं मर जाऊंगा। मैं यहाँ ना को हाई तो करवाने आया हूँ। दिव्या से सेटिंग डन, फिर उसके कंधे पे तू पैर रख के प्रिया तक पहुँच जाना। पैसा फेंक, तमाशा देख। समझी गियो, मेरी मोहब्बत के टायर को पंक्चर होने से तुम ही बचा सकते हो। तू टेंशन क्यों लेता है? हमें तो क्या काम है। करो करो श्री गणेश करो। कौन है? ची, तू है? दिव्या, दिव्या, एक मिनट। एनी मासी ने, मैं तेरा ढोकला, तू मेरी चटनी, बन जा मेरी परमानेंट पत्नी। ये हजी एक छे, एक मिनट हो। तू और मैं प्यार की छांव तले, समंदर किनारे भजिया तले। तू पहलवान डायनासोर, मैं पतली छिपकली, आजा करते हैं प्यार में खली बली। अबे छिल्लू छे, I love you मेरी सुंदरी। प्रिया तो फिदा हो गई भाई। हाँ।
प्रिया? अबे इसका नाम तो दिव्या है। प्रिया दूसरी वाली का नाम था। इसकी तो वाट है बाबा। Go to hell! दिव्या, उबिर। प्रिया, ये ले। जब तेरी गर्लफ्रेंड आएगी ना, एक-एक करके उसे ये दिखाना। पर बकने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है एक बार पढ़ लूँ? सरप्राइज। बेटा तेरी लाइफ बनने वाली है, देखते जा। ये क्या है भाई? सॉरी मेरे भाई, वो गलती से मिस्टेक हो गई यार। मिस्टेक नहीं, हमारी जिंदगी लुटाई गई। एक ही टेक में लाइफ सेट कर रही थी, तुम लोग ने गुड़ को बर कर दिया। अबे यार, ये अपना पेमेंट तो क्लियर कर देगा ना? मुश्किल लगता है। अच्छा भाई, तेरी ये प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? बोले तो सजावट कमाल की थी और तैयारी भी जबरदस्त थी, पर किस्मत ही झंड हो तो। यार सफलता की राह में कुछ तो मुश्किलें आएंगी ना, ये अपनी पहली पनौती थी, निकल गई। हर डॉक्टर अगर ऐसा सोचने लग गए ना तो सारे के सारे मरीज स्वर्ग से बाहर निकल जाएंगे। अरे नहीं ना यार, तुम दोनों लड़की रहे हो, इतने बड़े काम में थोड़ी सी गलती हो गई, और गलतियों से तो आदमी सीखता है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने तो देखो फाड़ देंगे। अबे इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑफर देगा कौन? अरे मैं दूंगा ना, ओपल वाला मेहलबान तो दलित दादा भी पहलवान। मेरे लिए इवेंट कर लोगे क्या? यार भंडारे का न्योता देने आया है तो कल। अबे चंपू, तेरे बाप ने तो बोला था हमसे मिलने का नहीं, बाप की बात भूल गया क्या? क्यों बे, अच्छा खाना, डॉक्टर के पास नहीं जाना, पैसे बचाना सब, और सैलरी डॉक्टर की जेब में। रवि बता क्या इवेंट है तेरा? ये तो कल मेरे बिग बॉस का बर्थडे है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग उसके लिए एक सरप्राइज प्लान बनाओ। अगर मेरा बॉस खुश हो गया तो वो मुझे पक्का मैनेजर बना देगा। समझ ले तू मैनेजर बन ही गया। अच्छा उसे क्या क्या पसंद है? उसे खुद के अलावा खुद भी पसंद नहीं है, अपनी बीवी तक नहीं यार। ऐसा है क्या? तो हो जाए झकास सरप्राइज। तेरा बॉस जब ये बलून देखेगा ना बेटा, तो तेरी प्रमोशन तो पक्की है। तेले मुंह में घी तक। मैनेजर बनने के बाद जबरदस्त पार्टी चाहिए। दूंगा। और वो समोसे वाली पार्टी नहीं चाहिए, हम सबको बड़े रिसोर्ट में लेके जाना पड़ेगा। अरे आपली कंपनी ने प्रॉफिट केलाय, छप्पर फाड़ के नागराज इसे पकड़ना हो। ए राम रेडी रहना, बूढ़ा आ रहा है। अरे और कितना टाइम लगाओगे, जल्दी वो आ गया। अरे जल्दी कर, अरे कर रहे हैं, अरे जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, अरे क्या कर रहा है? आराम से, आराम से, आराम से, जल्दी, बस बस, ये देख देख, बांध उसे आराम से, जल्दी जल्दी बांध, बांध अच्छे से, बांधना आराम से, आराम से, ए टाइट बांधना, हो गया छोड़ दो। जय हिंद जय भारत, बाय, कांग्रेचुलेशंस, तू मैनेजर बन गया। अबे गांड खुल गई, अरे जल्दी पकड़ो वरना ये मैनेजर से चपरासी बन जाएगा। अरे जल्दी और तो और, अरे ये थाम थाम होल्ड कर, ये बलून पे माजी फोटो कैसे? अरे अरे क्या कर रहे हैं? अरे ब्रेक मारना, ब्रेक मार, ब्रेक मार, अरे ब्रेक दबाओ रे बाबा। अरे कैसे देखो पुंगी बच गई यार। अबे टकले चला के डरा दिया, देख नहीं तो आया था। इंस्पेक्टर इसने और इसके दोस्तों ने मुझे मारने की कोशिश की, किसी को मत छोड़ना, सबको गिरफ्तार करो, इसको भी। मैंने कहा था इन लफंगों से दूर रहो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब देख लिया, जब से इन लोगों ने मेरे बेटे से दोस्ती की है, उसकी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। इन लफंगों ने आज तुझे पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। जैसे घर में संस्कार मिलेंगे, बच्चे वैसा ही तो करेंगे। साइन कीजिए और इन्हें ले जाइए। पापा क्या हुआ?
हॉस्पिटल जाएंगे पापा। हेल्प हेल्प पापा, आपको कुछ नहीं होगा पापा। स्टॉप 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 स्टॉप। भाई साहब, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया है, क्या आप उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं प्लीज? क्यों भाई, तू मुझे फिर से चूना लगाना चाहता है? तुम जैसे घटिया और आवारा लोगों के लिए ये एम्बुलेंस नहीं बनी है, जो इसकी कदर ही नहीं करते हैं। मैं तेरे नाटक पे फिर से विश्वास करूंगा क्या? नहीं सर। फ्री में ट्रैवल करना चाहता है, पैसा नहीं है तो भीख मांग ले, और भीख ना मिले तो मर जाने दे। तेरे मजाक के चक्कर में किसी की जान चली गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पापा को सच में हार्ट अटैक आया है। क्या पापा? अबे ओए, इस आवारा के साथ मिलकर नाटक करते शर्म नहीं आती तुझे? लोगों को धोखा देना बंद करो, वरना ये नाटक एक दिन सच हो जाएगा। सुनिए सर, मेरे पापा की कंडीशन बहुत सीरियस है सर, हम मजाक नहीं कर रहे। चल भाग यहां से, मैं एक बार पहले ही धोखा खा चुका हूँ, अब फिर से नहीं खाऊंगा। सर मेरी बात सुनिए सर, सर मजाक नहीं कर रहे, रुक जाइए, रुक जाइए सर, सर सर मेरी बात सुनिए सर, सर फुर्सत पे निकल, सर प्लीज रुक जाइए, सर सर प्लीज। उस दिन हादसे के बाद खून से लथपथ मेरे बेटे को अस्पताल ले जाकर उसकी जिंदगी के लिए मैंने भगवान से भीख मांगी थी। सुख दुख दिन रात भूलकर अपना सब कुछ लुटा दिया ताकि मेरे बेटे की जान बच सके। यहां तक कि अपने परिवार के लिए मैंने अपनी ख्वाहिशों का गला तक घोट दिया। फोटोग्राफी को छोड़कर मैंने एक कंपनी में मामूली मैकेनिक का जॉब कर लिया। मुझे गर्व था अपने बेटे पर, कितना प्यार करता था उससे, मगर आज उसने मेरा सर झुका दिया, शर्मिंदा कर दिया मुझे। आज मैं जमीन पर नहीं गिरा हूं, अपनी नजरों में गिर गया। पापा, 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 मत छू मुझे। ये माइल्ड हार्ट अटैक था, मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूं, उसे टाइम पर लेते रहिएगा। श्रीधर चलो चलते हैं। सुनो राम, तुम बाइक पर आ जाओ, मैं श्रीधर को लेकर ऑटो में आता हूँ। और हाँ, अपनी माँ को कुछ मत बताना। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। अब पहली बार अटैक आना यानी खतरे की घंटी है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे सारी खुशियां दूंगा, सिर्फ मेरे जीते जी नहीं बल्कि वो इस दुनिया में रहेगी तब तक। मैं चाहता हूं मेरे जीते जी मेरी बेटी कीर्ति की शादी हो जाए, मेरा बेटा सेटल हो जाए, और इतने पैसे जमा कर लूं कि लक्ष्मी को उसके लिए मोहताज ना होना पड़े। मैं तुम्हारे डैड को बचपन से जानता हूं, तभी से हमारे दोस्तों को लगता था कि तुम्हारे डैड बहुत मजबूत दिल के हैं, लेकिन अब लगता है कि वो दिल कमजोर हो गया है। दरअसल बच्चे ही माँ बाप के दिल की धड़कन होते हैं, और बच्चे ही अगर कामयाब ना हो तो दिल भला कैसे मजबूत होगा? श्रीधर की जान तुम में बसी है। मुझे आज भी याद है तब तुम 2 साल के थे और खून में लथपथ तुम्हारा पिता तुम्हें लेकर डॉक्टर से तुम्हारी जान बचाने की गुहार कर रहा था। अपनी परवाह किए बगैर उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, बदले में तुमने उसे क्या दिया? दुख और तकलीफ, जिसकी वजह से उसकी आज ये हालत हुई है। तुम्हारे लिए अपनी ख्वाहिशों को मारा है, तुम्हारे लिए अपने सपनों का गला घोट दिया, और तुम्हें ही अपनी दुनिया मान लिया। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन, तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई बस यही उसका मकसद बन गए। तुम्हारे लिए जिसने ये सब किया, आज वो मुसीबत में लाचार है। आधी रात को बरसात में सड़क पर बेसहारा पड़ा था, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मौत से लड़ते हुए भी उसे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र थी, उसके बगैर तुम सबका क्या होगा, सच्चा बाप यही सोचता है। इस बार तो वो किसी तरह बच गया।
शायद फिर ना बच पाए। तुम उसे कोई खुशी ना दे पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उसे कोई गम मत देना, ये याद रखना। आप ये कौन सी दवा खा रहे हैं, क्या हुआ है? ये सरदर्द हो रहा ना, इसलिए ले रहा हूँ। बुखार होने पे तो कभी दवा खाई नहीं और सरदर्द होने पे दवा खा रहे हैं। बताइए किस चीज की दवा है, बताइए ना। मैंने कहा ना कुछ नहीं, रख दो इसको। तुम्हें एक बात बताना भूल गया, जरा आओ तो। कल कीर्ति के रिश्ते के लिए कुछ लोग घर आ रहे हैं। अचानक कैसे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अचानक क्या मतलब है? अचानक अचानक कुछ नहीं, मैं कुछ दिनों से तलाश कर रहा था, तुम्हें बताना भूल गया। मैंने सोचा कोई अच्छा रिश्ता आएगा तब बताऊंगा तुम्हें। मुझे लगता है ये रिश्ता अच्छा है, वो लोग कल देखने आना चाहते हैं। मेरे हिसाब से हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेनी चाहिए। क्यों? तो तुम इंतजाम करो, कुछ बना लो। तुझे लड़की पसंद आई ना? पसंद है पापा। मुझे भी पसंद है। भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई। धन्यवाद। हैंडसम है ना? बाकी लेन देन की सारी बातें मैंने भाई साहब को समझा दिया, आपसे बात कर लेंगे। आगे की बात मैं कर लूंगा। ठीक है, हम चलते हैं। तो चलते हैं। नमस्ते। 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 देखिए हाजी, वो लोग ज्यादा नहीं, बस 10 लाख मांग रहे हैं, और बच्चों के रहने के लिए एक फ्लैट। अरे ये सब आप अपनी बेटी को तो दे रहे हैं, इसमें सोचना क्या है? सोना तो दे रहे हैं ना, 10 लाख रुपए और एक फ्लैट, बस इतना ही। आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं कुछ ऊपर नीचे करता हूँ ना। एक अंदर की बात बताता हूँ, कई और रिश्ते हैं जो इससे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। आपकी बेटी किस्मत वाली है जो ऐसा रिश्ता आया है। आप बस हाँ कह दीजिए, ठीक है ना? पैसों का इंतजाम हो जाए तो बता दीजिएगा। चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। लड़का तो अच्छा है ना? मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है लक्ष्मी, लड़का और उसका परिवार दोनों अच्छे हैं। ससुराल में हमारी बेटी खुश रहेगी, उससे बढ़कर और क्या बात है? वो तो ठीक है, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पापा, मैं उस परिवार में शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटा? आपको वो लोग लालची नहीं लगे क्या? यही तो आजकल का चलन है, इसमें लालची की क्या बात है? जो भी हो पापा, मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, और प्लीज आप मेरे लिए टेंशन मत लीजिए, उन लोगों को ना कह दीजिए। औरती क्या देख रहे हो? मेरे बेटे को लॉटरी में कार मिला है। हाँ? और कार के साथ फोटो भी भेजा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरा मैं भी तो देखूं। क्या बात है, कार तो जबरदस्त है। हाँ, मेरा बेटे को तो कार मिला है, इसका बेटे को तो कनाडा में फ्लैट मिला है। नितेश, तू तो बड़ा किस्मत वाला निकला। बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ बाप ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत में ये खुशी नहीं होती। वो लोग अपने आवारा बेटे को पालने में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, और ऐसे नालायक बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। कर रहा है, चल खाना खा ले। माँ मुझे भूख नहीं है, आप जाके खा लीजिए। भूख नहीं लगी है, टाइम देखा है, चल आ जा। सर मैंने सुना है कि आपकी कंपनी में कुछ इवेंट्स हो रहे हैं अगले हफ्ते। हमने भी कंपनी शुरू की है सर, लेकिन सर हमारी कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। हम इवेंट्स तो करते हैं, लेकिन हम उन्हें सरप्राइज कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी कंपनी को अच्छी तरह जानता हूँ, सोशल मीडिया पर तुम्हारी कंपनी के काफी चर्चे हैं। तुमने देखा नहीं क्या? रुको मैं दिखाता हूं। स्मार्टफोन वाले स्मार्ट लोगों को नमस्ते। ये कोई किटकॉट या फेसबुक बिल्कुल नहीं है, और टूटेला दिल नो शराब छे। मेरे दिल की आग 4 लोगों के साथ आप भी शेयर करना, क्योंकि आजकल तो हर वीडियो महामारी की तरह फैलता है। मेरा वीडियो भी वैसे ही फैला ही है। लोकल बॉयज सरप्राइज इवेंट प्लानर्स फ्रॉड बनाने वाली कंपनी है। मेरी किस्मत फूटे लिए थी कि अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने मैं उनके पास पहुंच गया। इस गैंग में सभी एक से बढ़कर एक है। एक तो शक्ल से ही नशेड़ी लगता है, सस्ता वाला नशेड़ी, क्या बोलते हैं उसको, गर्दुल्ला, उसको बोल रहा है बे। दूसरा तो डांबर जैसा है, काला जामुन, उसको देख के भूत भी डरता है। तेरे बारे में बोल रहा है। तीजो तो सफेद गधेड़ो छे। गधा? तुझे वो गधा बोल रहा है? बोल रहा है गधा, बोला गधा। और चौथा तो गांडो छे, गांडो, गुजराती में पागल को गांडो बोलते। और इन 6 चुंदरों का एक गैंग लीडर भी है, वो एक ही काफी है आपकी जिंदगी की बैंड बजाने के लिए। यार वो बहलाएंगे भी, वो फुसलाएंगे भी, बोलेंगे मस्त सरप्राइज देंगे, लेकिन तुम लोग भरोसा मत करना, भरोसा कर सो लागी जसो।
बर्थडे के दिन वो तुम लोगों को मौत के मुंह में डाल देंगे। अगर शादी है ना तो तलाक करवा कर ही छोड़ेंगे। अगर कंपनी का इवेंट है तो कंपनी का दिवाला पक्का। वो इंसान नहीं है, चलते फिरते एनाकोंडा के बच्चे हैं। एक लीडर नहीं साथे चार चार चमता जिंदगी जंड करवा वाला। जब पैदा हुए थे पनौती की टोकरी साथ लाए थे, मारू तो मगज खराब थी गयी। पर आप खुद को संभालो वरना सब खत्म, बर्बाद थी जसो। एकदम ऐसे ही जैसे मैं हो गया हूँ। कंट्रोल करो, हंसना मत वरना बोरिया बिस्तर गुल तुम्हारा। वो लोग ना ऐसी दुमे जिसे पाइप में रखकर भी कभी सीधी नहीं कर सकते, एकदम कमीनों के सरदार। एक शब्द में बताऊं तो वो लोग चलती फिरती तबाही है। They all are injurious to health. सुनो ए, मेरे को मालूम है तुम लोग भी वीडियो देख रहे हो। तुम्हारे लिए मैंने सरप्राइज प्लान किया है। हमारे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। शराब देता हूँ, बर्बाद थे जाओ। ये तो मार्केट में हमारे नाम पर गोबर कर रहा है। अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन पब्लिक हमें जूते चप्पल और अंडे से मारेगी। छे। ए, इस चिरकुट के वीडियो को 40 लाख लाइक्स मिले हैं। है? इसने तो पूरा भांडा फोड़ दिया, अब कौन काम देगा हमें? कौन काम देगा? देंगे वो काम? सरप्राइज एक तरह का इमोशन होता है, और अगर तुम उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ करोगे तो बताओ कोई भी तुम्हें काम क्यों देगा। अगर हम किसी के चेहरे पर एक छोटी सी भी स्माइल ले आए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। तुम्हें पता है क्या करना है, लेकिन करने का सही तरीका क्या है ये नहीं जानते। यही तो प्रॉब्लम है। अगर सही से प्लान करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही से प्लान करने के लिए ऑफर होना चाहिए, हमारे पास तो काम ही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए काम लाई। मैंने इसके लिए पहले ही एमडी सर से बात कर ली है। कल एमडी के डैड का बर्थडे है, वो हमारी कंपनी के चेयरमैन है। अगर तुम ये इवेंट सही से प्लान करोगे तो हमारी कंपनी के सारे इवेंट्स तुम्हें ही मिलेंगे। तुम्हें पक्का यकीन है? पक्का। हम एक शानदार इवेंट करेंगे, अपने एमडी सर से मिलाओगी ना? आप लोग अपनी ये सब बकवास बंद करो और मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर दो। अभी अकेला रहूंगा तो खुश रहूंगा। उससे तुम्हारा भला नहीं होगा बेटा, हम लोग साथ में रहेंगे तभी खुश रहेंगे। इन जोकरों के साथ आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं डैड? मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ओके देख छोटे, ऐसा नहीं है, डैड चाहते हैं। अपना ये ड्रामा और अपना इमोशनल ब्लैकमेल अपनी जेब में रख। आप ये क्या कह रहे हैं? पहले भाई साहब, अरे क्या, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना, बीच में बकवास क्यों कर रही है? कल इसी टाइम तक मुझे मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हाथ में चाहिए, समझ गए सब लोग? संभालिए अपने आप। डैड, डैडी। मैं बस इतना चाहता हूं कि करण खुश रहे। वकील को बुलवाओ और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाओ। क्या बात है? आपने ही हमें आने के लिए कहा था, वो दरअसल चेयरमैन सर का बर्थडे है। तो कल मेरी फैमिली टूटने वाली है और आज उनका बर्थडे है। मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि वो इसका सामना कैसे करेंगे। आई एम सॉरी नैना। कितने बड़े बड़े सपने देखे थे, सब के सब चूर हो गए। बर्थडे के दिन फैमिली टूटना बहुत दुख की बात है। हम फैमिली नहीं टूटने देंगे, और यही एमडी सर के लिए हमारा सरप्राइज होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, जो परिवार की नहीं सुनता अपनी क्या सुनेगा? ए, ये फैमिली रिलेशंस, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेगा ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। इन सब बकवास बातों में कुछ नहीं रखा। अरे रखा है ना, बिना फैमिली के जिंदगी झंड हो जाती है, समझा? ए घोंचू, तूने दशरथ मांझी का नाम सुना ना, जिसने पहाड़ तोड़ा था? उसको भी सब छोड़ के चले गए। अबे उसको तोड़ने के लिए पहाड़ मिल गया था, यहाँ पहाड़ तोड़ के बिल्डिंग बन रही है, क्या तोड़ेगा तू? जेद छोड़ दे और परिवार को अपना ले। चले अपना मुंह का गटर बंद कर, अकेली जिंदगी सबसे भली है। भाई साहब, आपको देख के लगता है कि आप बड़ी अच्छी फैमिली से हो, जरा मेरे दोस्त को समझाओ ना यार। हट, अपने दोस्त की खुशी नहीं देख सकता? देख भाई, इस चिलगोजे की बातों में मत आना, ये घर बार सब छोड़ो, बहुत खुश रहोगे। सही कहा बॉस, लगता तुम भी वही सब झेल रहे हो। हाँ यार, ये फैमिली ड्रामा झेला नहीं जाता मुझसे। क्या है फैमिली, एक सोने का पिंजरा है, पिंजरा। भाई साहब, मैं भी तो कब से यही बोल रहा हूँ, परिवार सोने की खदान जैसा होता है, पर इस घन चक्कर को समझाएगा कौन? चले हा? तुझे क्या पता, कभी उनसे 10 रुपए मांग के देख, 10 रुपए तो मिलेंगे नहीं, पर उनके 20 तानों से जिंदगी नरक हो जाएगी। करेक्ट बॉस, मैंने अपना हिस्सा मांगा तो बाप बोला बेटा साथ में रहेंगे। बड़ा भाई क्या बोलता है पता है? छोटे डैड की सुन, और
मेरी भाभी को तो छोड़ दो, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। अरे भाई अपने घर की भी कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ दिन पहले मैं बाइक से गिर गया, एक बंदे को फर्क नहीं पड़ा। भाई तू तो खाली बाइक से गिरा है ना, मैं मर भी गया ना तो कोई नहीं आएगा मेरे लिए। अरे परिवार वाले इतने पत्थर दिल नहीं होते। दिल होता है उनके पास। मेरे भाई ये बिना प्रूफ के नहीं मानने वाला है। बिल्कुल भाई, बिना प्रूफ के किसी पर यकीन कौन होता था। ये बकवास, मेरी मरी हुई दादी ऐसा बोलती थी। अब क्या अपनी बात साबित करके दिखाओ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है बॉस। आइडिया? हेलो सर, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने शराब पी रखी थी। हाँ? सर उनका बहुत खून बह रहा है, प्लीज जल्दी आइए। एक्सीडेंट? मैं ये क्या सीन है बॉस, एक बंदे को देखने के लिए पूरी पलटन निकल गई। कहा था ना ड्रामेबाज हैं सारे, एक्सीडेंट का सुन के सब लोग जा रहे हैं अपनी अटेंडेंस लगाने। तुम्हारा दिमाग तो क्रिमिनल लोगों से भी तेज है। मतलब ब्रॉडबैंड से। ब्रॉड माइंड इडियट। या वाह क्या बात है बॉस, तुम्हारा बड़ा भाई तो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, लगता है तुमसे बहुत प्यार करता है। प्यार व्यार नहीं है, मैं मर गया तो मेरी प्रॉपर्टी भी उसकी, बस उसकी एक्साइटमेंट है। बचपन में आपको पोलियो ड्रॉप नहीं दिया था क्या? बेटा यहाँ तो लगता नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है। क्या उसने यही जगह बताई थी? हेलो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसे किडनैप किया गया है। किडनैप? हेलो आखिर तुम हो कौन और तुम्हें क्या चाहिए? अगर मुझे इनसे पैसे मांगने तो कितने पैसे मांगू? हेलो तुम 1 करोड़ मांग लो। हेलो बोलो। जल्द से जल्द 20 करोड़ लेके एरोस्पेस की कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाओ। जरा सी देर हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या कहा उन्होंने बेटा? हाँ तो बॉस क्या लगता है तुम्हारी फैमिली आएगी? हाँ मैं बोलूं भाई साहब, आपको लगता है नहीं आएगी है ना? मैंने उन्हें इतना धमकाया तब उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी नहीं दी, तुम्हें क्या लगता है मेरी किडनैपिंग से डर के तुम लोगों को पैसे दे देंगे वो लोग? फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, एक नंबर के कंजूस हैं। लगता है यहाँ पे कोई कार आ रही है। मेरा भाई कहाँ है बता। तू रुक जा, वो कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है प्लीज बता दो। सब कुछ बताऊंगा, पहले पैसे दो। कैश गहने प्रॉपर्टी मिलाकर 30 करोड़ हुए, जितना था सब दे दिया। तुमने जितना मांगा था उससे कहीं ज्यादा दिया है, अब तो करण को लौटा दो। इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, 2-4 फटके मारे थे बेहोश है। वो इसी बिल्डिंग में कहीं है, 5 मिनट के अंदर उसे नहीं ढूंढ पाए तो मेरे बंदे उसे मार देंगे। चलो निकलो जल्दी जाओ। ये लोग इतने बौखलाए हुए क्यों लग रहे हैं? बताता हूँ बॉस, पहले पैसे तो चेक कर लेने दो। बेटा करण। अरे वाह बैग तो खचाखच भरा हुआ है। अरे राम इधर तो गोल्ड ही गोल्ड है यार। करण चाचू देखो कितने सुंदर कंगन है ना। वाह मेरे पापा ने एनिवर्सरी पर मुझे 20 एकड़ जमीन दी थी एज अ गिफ्ट। हमने 20 करोड़ मांगे तो उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी दे दी। लगता है आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है बॉस। तुमने उनसे ऐसा क्या बोल दिया कि वो लोग मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं? मैंने उनसे एक छोटा मजाक किया, मैंने कहा कि अगर 5 मिनट में तुम्हें नहीं ढूंढ पाए तो मेरे आदमी तुम्हें मार देंगे। अब देखो कैसे भगदड़ मची है। बेटा,
आप ठीक तो है ना? तू मेरी फिक्र मत कर, जाके करण को ढूंढ जा। बॉस तुम सही कह रहे थे, तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं यार। मैंने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था बॉस। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा है तो आओ देख लो। करण, हमारे पास जो कुछ भी था हमने सब कुछ तुम्हें दे दिया। करण हमको वापस कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूं। तूने मेरे भाई के साथ क्या किया बोल? चाचू। करण, करण भैया, करण, करण बेटा, करण भैया, बेटा कैसे हो? करण ठीक तो हो ना? कहाँ थे तुम? सॉरी डैड। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुझे कुछ हुआ नहीं, हमारे लिए यही काफी है बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये सब इसने आप लोगों की फैमिली बचाने के लिए किया। समझ नहीं आता तुमसे क्या कहूं। अगर हमारा परिवार आज खुश है तो उसकी वजह तुम हो। कमाल कर दिया तुमने, ऐसा लग रहा था कि यह घर कुछ ही दिनों में बिखर जाएगा, तुमने इसे बचा लिया। थैंक यू। हाँ, आज से हमारी कंपनी में जो भी इवेंट्स होंगे तुम ही करोगे। ऑल द बेस्ट। मस्त है ना? हेलो सर। हेलो मैम, आप दोनों यहाँ पर खड़े रहेंगे। क्या बात है, वाह वाह। थैंक यू सो मच। ये क्या कर रही है? मेरा? अरे बैठो ना। तुम लोग नहीं सुधरोगे। माँ, ये पैसे रख लीजिए। मुझे लगता है तुम्हारा बेटा लाइन पर आ गया है। माँ बाप और टीचर से बड़ा सबक जिंदगी खुद देती है, कभी ना कभी बच्चे लाइन पर आ ही जाते हैं, समझ गए? क्या कहते हैं? अरे क्या कर रहा है? राम बाबू, हैप्पी बर्थडे। कहाँ है वो? अरे आ गया। जय जुगी। थैंक यू। जम के खाओ।
वो छाना है। ओके नमस्ते। हाँ जी ओके हमें उस तरफ जाना है। हाँ क्या देख रही हैं? सच में बहुत पहुंची हुई चीज है ये। आज इसकी फोटो अखबार में छप गई और हम अपनी फोटो गले में लटका के घूमते रहते हैं। ये जो आजकल के लौंडे हैं ना, ये जमीन पे पैर नहीं रखते हैं, उड़ी मार के सीधा आसमान छूते हैं। कड़ची वेरी स्ट्रॉन्ग। बैना हे कालू, कैसा है रे? आशीर्वाद सर आपके। लौटा भाई। कचरा सेठ। सडनली यहाँ कैसे आना हुआ? और ये कचरे का ट्रक सर, वो टमाटर है ना, होटल में डिलीवर करने जा रहा था, बिरयानी में डालेंगे, आपके लिए भी लाऊंगा। ए, अब जल्दी डर्टी स्मेल वाली ट्रक को हटा यहाँ से। ए, दीदी के लिए फ्रूट निकालो। फ्रूट्स कचरे की ट्रक में। वो कम सड़े हुए। चलिए यहाँ से निकल। कीड़े लगने तो अभी शुरू हुए, वो खाएगी तो दस्त लग जाएगा। ये लड़कियाँ बड़ी नाजुक होती है, कुछ भी हजम नहीं कर पाती। पूरी कॉलोनी वाले जूते चप्पल से मारेंगे, पहले हटा उस ट्रक को। गो बैक रे, सामान गो बैक, जा। हेलो ए कचरा सेठ, तुझे छोटा पत्थर भेजने के लिए बोला था, तूने बड़ा क्यों भेजा? तेरे पास मिक्सी है ना, बस उसमें डाल कर उसे छोटा कर ले, रोता क्यों है? बहना गांव में सब हाउ आर यू? हेलो मालिक, कचरे का ट्रक पूरी तरह से भर चुका है, उसको कहां पे डालूं? तो किसी के घर में डाल दे। घर में डाल दूं? तो किसी के झोपड़े में डाल दे। झोपड़े में किस? अपने घर में डाल। आगे से तूने फोन किया ना तो पगार काट लूंगा। व्हाट सेइंग बहना? गांव में सब हाउ आर यू? पकड़ो इसको, एक मिनट किधर गया। हेलो हेलो, अबे तेरे ड्राइवर ने कचरा मोहल्ले में डाल दिया है और मोहल्ले के सारे लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, लग रहा है जैसे परमाणु बम फट गया। मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? जाने देना, देख पहले मोहल्ला खाली होगा, फिर पूरा शहर खाली होगा, उसके बाद पूरा जिला खाली होगा, फिर पॉपुलेशन कम और बचा खुचो की तरक्की चालू। अब फोन रख, नहीं तो चार ट्रक और भिजवाऊंगा। बहना बहना, नया फोन, क्या बात है? हाँ ब्रदर। वाओ, ये है मेरे खजाने की चाबी। बहना, भांजी के साथ लंगूरों की टोली कौन है? अच्छा वो लोग, एक तो घर के सामने ही रहता है, सरप्राइज प्लानर का ऑफिस खोला है, बिजनेस बहुत अच्छा रनिंग है। इसने ऑफिस खोला है, सरप्राइज के साथ प्लानिंग भी की है। एड्रेस दो। मैंने कंपनी वालों को इवेंट के बारे में सब कुछ बताया। अच्छा वो फूल वाले को तुझे फोन करना है, ठीक है? देखो यार, अभी हमें काम मिला तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या रे झिंगुर लोग, अंगूर दिखा नहीं कि लंगूरों की तरह लटक गए? क्या सोचा था, फल हाथ में आ गया तो पूरा पेड़ तुम्हारा होगा? तेरी तो, उस पेड़ का माली मैं हूँ। ये एलियन कहाँ से पकड़ा भाई? जादू। चड्डी पहन के फूल खिला है? ये कह रहे कबर में हड्डी, दादा खेले कबड्डी। आप कौन है सर और आपको क्या काम है? तू ही है ना वो सेल्फी लेने वाला फोटोग्राफर? मेरे लाइफ में भी एक इवेंट हुआ है, चलो जल्दी से प्लानिंग कर और मुझे सरप्राइज दे। आपका बजट क्या है सर? ताजमहल की कीमत से 2 रुपए कम। घटिया सवाल पूछता है। फिक्र मत कीजिए सर, हम आपके लिए ताजमहल तो क्या पूरा का पूरा कब्रिस्तान बना देंगे। तू ही दफन हो जाना। कब्रिस्तान नहीं चलेगा तो क्या एक बड़ा गिफ्ट चलेगा? गिफ्ट दो, टेडी बेयर दो, पपी दो, फल दो, सब्जी दो, चॉकलेट दो, पूरी दुकान दो, मुझे चिंदी चप्पर समझा क्या? कुछ खास दो, ऐसा कुछ जिससे 440 वोल्ट का झटका लगे, बंदे का टिकटी कट जाए। एक आइडिया मैं तुम्हें बताता हूं। किडनैप सरप्राइज। क्या? ए, पहली बार दिमाग में सही आइडिया है, थैंक यू पापा। हम सरप्राइज देते हैं, किडनैप नहीं करते। पर्दा तुम लोग हटाओगे और शो मैं दिखाऊंगा। आपने इतना अच्छा आइडिया बताया, नाम तो बताओ सर। कालू और कचरा से नैना का मामा है? आप इतनी देर से नैना की बात कर रहे थे? Yes. ये बात नैना को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं उसे किडनैप करने वाला हूँ, सरप्राइज नहीं रहेगा ना। ये ऐसे नहीं मानने वाला, मुझे पता है इसका क्या इलाज है। हेलो पुलिस स्टेशन। सोने की चिड़िया आई नहीं अभी तक। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो भाई साहब?
सरप्राइज। अच्छा कैसा सरप्राइज? तुझे उन लड़कों ने भेजा है क्या? जा उनसे कह दे कि इस मैटर को मैं खुद ही संभाल लूंगा, चल भाग। आ गई मुर्गी, छिप जा, चलो छिप जा। असली नकली चेक तो करो। 100% असली माल है। अबे काले कौवे उठ। हेलो ए कचरा सेठ, बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ मर गया तू? कचरे की गाड़ी ला और चुपचाप कचरा लेके जा, पूरा एरिया बदबू मार रहा है। थोड़े दिन और सुन ले, तेरी भी नाक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्या मतलब? सबके नाक में दम करता है, अब अपनी बारी आई तो बिलबिलाने लगा। थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लेना रे, आते ही सेट करूंगा। इन भिखारियों ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा सुन, चल चाय पिला। क्या हुआ? बैठ। अब ये बता, उस लड़की को किडनैप क्यों करना चाहता था? सर रिश्ते में वो मेरी भांजी है, असली सोने की हांडी है, उसे किडनैप करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेता और उसके बाद फिर तू माला माल हो जाएगा। अच्छा तेरे पास कचरे की गाड़ी है ना? सुना है तू किसी और का कचरा किसी और के घर में डालता है। आपको ही किसने बताया? तेरे ड्राइवर ने बताया। खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो भोलन भाई, जरा जम के करो ठुकाई। अरे भोलन भाई, अरे इतनी मत करो ठुकाई, तुम भी हो जाओगी, अच्छा नहीं लगेगा। अरे कल्लू जरा बाहर आ, भुलाई से मत शर्मा। नहीं बाबा और मत छू जा। अरे क्या कर रही हो? अरे बचाओ सर, खाओगे मुझे पिटवाओगे। धांतू उल्लू का पट्ठा, चमड़ी तेरी उधेड़ के भूसा भर दू, तू है कुत्ते की दुम, पीट पीट के तुझको मैं सीधा कर दू, मच्छर की तरह मैं चुटकी में मसल दू, तू अब भी ना सुधरा तो और चर्बी उतार दू। धो डालो, धो डालो, धो। जान बची लाख पाए। अच्छा हुआ जो तेरा फोन कट गया, वरना तेरी और धुलाई होती। धो डालो, धो डालो, पटक पटक के धो डालो, चमके धो, अच्छी तरह धो, धो डालो, धो डालो, पटक पटक के धो डालो, धो डालो, धो डालो। मुकेश भैया का मोबाइल, खाओ पियो। वेयर इज माय भैया? कालू वेयर आर यू? बहना मेरा मुश्किल हो गया है तुम्हारे शहर में रहना, दुनिया ने लगा दिया मेरे अरमानों को झटका, पुलिस ने दिया फटका। व्हाट हैपेंड, क्या प्रॉब्लम है? लॉन्ग स्टोरी बाद में टेलिंग। मेरे अंकल तो ऐसे ही हैं, आते हैं पुलिस की मार खाते हैं और चले जाते हैं, पर इस बार उन्हें अच्छा सबक मिला, तुमने तो अंकल की बैंड ही बजा दी। अच्छा नैना मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? वैसे एक लड़का तो है जिसे मैं पसंद करती हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है? बाद में बताऊंगी। ओए सुपरवाइजर, गुड नाइट। अरे भाई साहब, अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं, और जब मिलते हैं तो आप हर बार ना कह देते हो। अब इतने सस्ते में अच्छा रिश्ता ढूंढना बहुत ही मुश्किल है भाई साहब, अच्छा दामाद चाहिए तो रेट बढ़ाना पड़ेगा। आपकी हैसियत के हिसाब से कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब आप लड़के वालों से बात कीजिए, पैसों का इंतजाम तो मैं कहीं से कर लूंगा, बस रिश्ता अच्छा होना चाहिए। देखकर चला भाई, लग जाती है। बड़ा आंखें हैं या बटाटा, दिन में ही चढ़ा के चल रहा है। तो पी के चला रहे हो और दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हो, माँ बाप ने यही सिखाया तुम्हें? बदतमीज, इसने तो मेरे को डरा दिया यार। रुक जा, भी ठंडा करता हूँ। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? इससे तमीज की बात करता है मैं।
रुक जा बेटा, भाई को भी मार रहा है। क्या हो गया, मैं कभी समझ नहीं पाया कि मेरे डैड पर क्या गुजर रही है। इन्होंने बचपन से लेकर अब तक मेरा हर पल साथ दिया और मैंने इन्हें क्या दिया, सिर्फ दुख और तकलीफ। देखिए, इनकी हार्ट की वेंस में काफी सारे ब्लॉकेजेस हैं। अगर इलाज जल्दी ना किया गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। हमें जल्द ही इनका ऑपरेशन करना होगा। कुछ नहीं हुआ अम्मा, छोटी सी प्रॉब्लम है। पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतने सालों से मैं पापा के पास रहकर भी उनसे बहुत दूर रहा अंकल, पर अब जब मैं उनके करीब आया हूं तो डर लग रहा है कि कहीं पापा मुझसे दूर ना चले जाए। अब मैं उन्हें हर हाल में खुश रखना चाहता हूं अंकल, लेकिन देखिए क्या हो गया। तुम सब लोगों का प्यारी उसे फिर से ठीक कर देगा बेटा।
देखिए अभी इनका ब्लड प्रेशर और पल्स वगैरह नॉर्मल है, अब ये खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। ईसीजी चेक करते रहिएगा। ओके डॉक्टर। अब ये ठीक हो जाएंगे। आराम से बाबा, ध्यान से। हाँ कीर्ति, सामान निकाल लेना। डैड, जूस पी लीजिए, थोड़ा और स्ट्रेच कीजिए, बस हो गया। डैड उठिए, दवा लेने का टाइम हो गया। अरे पापा मैं उठाता हूँ, आराम से। पापा ये एक्यूप्रेशर के साथ है, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रखता है। हाँ आराम से पहनिए। हाँ अब काफी बेहतर है। सर इसका नाम अंजलि है, लंदन से MBBS किया है, ACG के चेयरमैन की इकलौती बेटी है, इस घर के लिए सही रहेगी। मेरे हिसाब से जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। ये लड़की कौन है? इनकी शादी तो तय हो चुकी है, मैं दूसरी लड़की दिखाता हूँ, एक मिनट। ओके हाँ। रुको रुको रुको, ये लड़का कौन है? ये लड़की का भाई है। ओ जैसे ही हमें पता लगा कि ये राम की बहन है, बस उसी पल हमने बिना कुछ सोचे ही ये डिसाइड कर लिया कि यही हमारे घर की बहू बनेगी। ये हमारे परिवार और हमारे परिवार के बीच के रिश्तों को समझता है, और ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी परवरिश अच्छे घर में हुई हो। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगते हैं। अगर आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनी तो उसके संस्कार से हमारे घर की खुशियों में 4 चांद लग जाएंगे। नहीं सर, हमारा आपका मेल नहीं हो सकता, हम छोटे लोग हैं, आपकी हैसियत के आगे हमारी कोई हैसियत नहीं। हैसियत पैसों से नहीं आंकी जाती, इंसान के चरित्र से आंकी जाती है। पैसों से कहीं ज्यादा कीमती संस्कार होते हैं। पैसे तो हाथ की मैल है, आज है तो कल नहीं। पैसे तो कमाए जा सकते हैं पर संस्कार नहीं, उसके लिए तप करना पड़ता है। आपकी बेटी अब हमारी बहू है, अब आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपने डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में तो सुना ही होगा, वहां धूमधाम से करेंगे शादी। तो चलिए कहीं बाहर चलते हैं, वहां सिर्फ आपके और हमारे खानदान के लोगों, वहां इनकी शादी करवाई जाए, क्या कहते हैं भाई साहब? अब मैं क्या कहूं सर, जैसा आपको मुनासिब लगे। मैंने तो तुझसे कहा था ना कबाड़ी वाले से शादी करूंगा तेरी, देख कबाड़ी वाला आ गया। चुप कर। हुआ श्रीधर, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई। कौन है वो खुशनसीब? अरविंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के परिवार का बेटा। क्या बात करता है? हाँ, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसका रिश्ता कैसे मिला? ये सब ईश्वर की कृपा है यार, वो लोग खुद मेरे घर आए और मेरी बेटी का हाथ मांगा सिर्फ मेरे बेटे के कारण। सुनो, सक्सेस का मतलब सिर्फ कार और घर खरीदना ही नहीं होता, घर में खुशी भी होनी चाहिए। उस कामयाबी का कोई फायदा नहीं है जिस घर का माहौल अच्छा ना हो। आज मेरे बेटे की बदौलत मेरा परिवार जीत गया, इसे कहते हैं सक्सेस, है ना? जोड़ी के पैसे तो है ना, नजर ना लगे। कितने अच्छे लग रहे हैं। जब इंसान डर और जिम्मेदारियों में जीता है तो वो उसके अलावा और कुछ नहीं देख पाता। लंबे अरसे बाद प्रकृति की खूबसूरती देख रहा हूं। तो पापा इस खूबसूरती को कैमरे में कैद कर लीजिए।
पापा हम अगले हफ्ते घूमने जा रहे हैं। क्या बात है? सही जगह है ना ये? पापा बहुत मजा आ रहा है। आ जाइए। सही लग रहा है पापा? ये देख, आराम से आ। ये वाली फोटो बहुत अच्छी है। हाँ, वो देखो पापा। ये very nice. क्या बात है? और पास आओ, आओ। मेरे लिए मेरा परिवार ही मेरी जिंदगी है। उन्हीं के लिए मैंने अपने करियर को कुर्बान कर दिया। आज ये अवार्ड मुझे अपने बेटे की वजह से मिला है। थैंक यू राम। आज से पहले मेरी इन आंखों से सिर्फ दुख के आंसू बहते रहे, लेकिन आज जो ये आंसू है वो खुशी के आंसू है। मेरे बेटे ने मेरी वो जिंदगी लौटा दी जो मैं पीछे छोड़ आया था। जिस छोटे से बच्चे को मैं अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करता था, आज वो इतना बड़ा हो गया कि उसने मुझे उठाकर आसमान पर बिठा दिया। ऐसे बेटे को पाकर मैं धन्य हो गया। वो माँ बाप विजेता है जिनके घर में ऐसा बेटा है। जितना महत्व मेरे लिए इस अवार्ड का है, उतना ही महत्व आपकी तालियों का भी है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। हर माँ बाप अपने बच्चों से कुछ उम्मीदें रखते हैं, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि उनके बच्चे होने के नाते हमें पता हो कि उनको कैसे खुश रखा जाए।